देखिए वो जरा सा उठाना वही उठ गया कि माया कहाँ असर करे, माया की मन मना तो माया के प्रभाव से संतुलन निश्चिंत हो जाता है जिसको कुछ नहीं चाहिए सोई संसार। यदि भगवान अलग हो तो चार अलग से होगी अर्थात वो भी नहीं तो दुख करे सुख को दिए मन चाहता रहते हम कभी कब मिले वर्ण सन ये युग का मन मिटाने पर अपने पक्ष की नहीं इन सब दुख की जयंती होती है तो दुख को तो हर बदले में सुख प्रदान करते। ओके सर ठीक। सो अगर आप इस तरीके से लिस्ट लिखते हो और लिस्ट के ऊपर अगर आप फिर लूप चलाते हो और यहाँ पे अगर आप वैल्यूज फाइंड आउट करते हो एक बाई वन आप वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ओके सो बेसिकली आपकी जो लिस्ट होती है आपकी जो स्ट्रिंग होती है ये सारी चीज़ें आपकी आइट्रेबल्स होती हैं। सो आइट्रेबल्स बेसिकली वो चीज़ें वो होती है जिसके ऊपर आप लूप चला सकते हो। आप बेसिकली एक वन बाय वन एक एक वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। वो सारी चीज़ें आपकी आइट्रेबल्स होती हैं। ओके और जिसके ऊपर आप ये काम नहीं कर सकते वो आपकी आइट्रेबल नहीं होती है। ठीक है अब अगर हम चेक करना चाहें ओके सो देखो ये आपकी आइट्रेबल्स होती हैं बट अब आपकी आइट्रेटर क्या होती है। ओके अब ये तो हमने देख लिया कि ये बेसिकली आइट्रेबल्स होते हैं। ये आपकी जो अगर आप जिसके ऊपर भी लूप चला के एक वन बाय वन हर एक अगर आप वैल्यूज को उसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो वो आपके आइट्रेबल्स होते हैं। चलो ये चीज़ तो हमने देख ली, ये चीज़ हमने क्या कहते हैं वेरीफाई कर ली। ठीक है सो दैट इज़ फाइन बट आइट्रेटर्स क्या होता है। ओके सो इसके बाद अगर हम आइट्रेटर्स की बात करें तो क्या ये जो सारे मेरे आइट्रेबल्स हैं जो मतलब मेरी स्ट्रिंग है और जो मेरी लिस्ट है जो मेरी टपल है ये जो सारे मेरे आइट्रेबल्स हैं क्या ये आइट्रेटर्स भी हैं। ओके क्या ये आइट्रेटर्स भी हैं। अगर मैं ये देखना चाहूँ तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं सिंपली देखो आपके पास अगर कोई स्ट्रिंग है। ओके सो सपोज आपके पास स्ट्रिंग थी शिवम। सो आप क्या करो अब इसमें से एक एक करके मतलब आप डेटा सेट के इंडेक्स के अकॉर्डिंग एक एक करके आप इसमें से वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करो। ठीक है सो अगर मैं ये काम करूँ तो ये काम इससे कर सकते हैं, हम ये काम अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नेक्स्ट फंक्शन। तो बेसिकली अरे यार किसका ऑन कुछ कोर्स करने जा रहे हो तो ओके दैट इज फाइन। ठीक है सो बेसिकली नेक्स्ट फंक्शन क्या करता है, नेक्स्ट फंक्शन क्या करता है आपके डेटा सेट में ये क्या करता है आपके डेटा सेट को एक्सट्रैक्ट करता है विद द नेक्स्ट इंडेक्स एक्स वन बाई वन। वन बाई वन का मतलब कि एक जैसे हम आइट्रेबल्स में कर रहे थे लूप चला के ठीक है एक एक वैल्यूज को निकाल रहे थे तो यहाँ पे बेसिकली आपका 6 7 8 10 शिवम ये एक साथ आया। ठीक है इसी तरह आपका SHIVM ये एक साथ आया बट अब मैं क्या कर रहा हूँ आइट्रेटर्स क्या करता है, आइट्रेटर्स का मतलब कि आप एक एक वैल्यू को एक एक बार में मतलब एक वंस एट अ टाइम। ठीक है मतलब एक वैल्यू एक बार आपकी आ रही है। मतलब नेक्स्ट का मतलब क्या है कि मैं नेक्स्ट को अगर मुझे पूरा शिवम देखना है तो नेक्स्ट को मतलब मैं एक बार चलाऊंगा। सो बेसिकली मेरा S आएगा देन H आएगा देन I आएगा देन V आएगा देन A आएगा देन M आएगा। ओके सो नेक्स्ट बेसिकली इस तरीके से काम करता है कि वो वन बाई वन एक एक इंडेक्सेस को एक इंडेक्सेस की वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करके देता है। ओके सो वन बाई वन एंड वन वैल्यू एट अ टाइम, एक वैल्यू एक बार में एक वैल्यू आती है। ओके सो ये काम होता है नेक्स्ट का। बट नेक्स्ट किसके ऊपर चल सकता है, नेक्स्ट बेसिकली उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर परफॉर्म कर सकता है बेसिकली जो ऑब्जेक्ट आपके आइट्रेटर्स हो। ओके दैट वो आपके आइट्रेबल्स नहीं होने चाहिए, वो आपके आइट्रेटर्स होने चाहिए। सो ये सारे मेरे जो स्ट्रिंग लिस्ट और टपल वगैरह ये आइट्रेबल्स तो हैं बट लेट मी चेक कि ये क्या आइट्रेटर्स भी हैं। ओके सो देखो आप जब ये चीज चलाओगे तो आपको पता चलेगा str ऑब्जेक्ट इज नॉट आइट्रेटर एंड सेम आपकी लिस्ट टपल डिक्शनरी जो भी चीजें हैं ये बेसिकली ये भी आपकी आइट्रेटर नहीं है, ये आइट्रेबल्स हैं। ओके दैट आर नॉट आइट्रेटर सॉरी। ओके तो अब मुझे क्या करना है ठीक है बट बट मेरे पास एक तरीका है, मैं बेसिकली इन आइटरेबल्स को, जो भी मेरे आइटरेबल्स हैं उनको आइटरेटर्स बना सकता हूँ, बट वाइस वर्सा इज नॉट पॉसिबल। मतलब आप आइटरेबल को आइटरेटर्स बना सकते हो, बट आइटरेटर्स को आइटरेबल आप नहीं बना सकते। और दूसरी चीज कि जो आपके आइटरेबल, मतलब आप, मैं इसको आइटरेटर तो बना सकता हूँ जो आपके आइटरेबल्स हैं, बट मैं इसको आइटरेटर नहीं बना सकता हूँ। बेसिकली अगर आपको किसी को आइटरेटर बनाना है तो उसके लिए उसका आइटरेबल होना इम्पोर्टेंट है। ओके, तो मैं अपनी इंटीजर को आइटरेटर नहीं बना सकता हूँ, हाँ, लेकिन मैं अपने स्ट्रिंग को और जितनी भी मेरे आइटरेबल्स डेटा टाइप हैं उनको मैं बेसिकली आइटरेटर बना सकता हूँ। और आइटरेटर का मतलब क्या है कि जब मैं इस पर नेक्स्ट लगाऊंगा सो वन वैल्यू एट अ टाइम ये एक्सट्रैक्ट करके मुझे देगा। ओके, सो लेट मी सी कि मैं इसको आइटरेटर कैसे बनाऊंगा। ओके, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसके लिए आपको इटर फंक्शन का यूज करना है। देयर इज अ फंक्शन विच इज कॉल्ड एन इटर फंक्शन। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं बेसिकली इटर फंक्शन का यूज करूँगा। ओके, सो इटर फंक्शन देखो इटर कैसे करेंगे। सो सपोज आपका जो मैं SHIVM है इसको मैं एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेता हूँ। सो ओके, सो लेट मी सपोज दिस इज शिवम, मैं इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेता हूँ। और अब मैं इस वेरिएबल को, ओके, सो अब मैं इस वेरिएबल को, अब मैं बेसिकली इस स्ट्रिंग को आइटरेटर बनाता हूँ। सो इसके लिए मैं क्या करूँगा, जस्ट सिंपल आइटर फंक्शन। सो दिस इज योर इटर फंक्शन। सो ये आपका इटर फंक्शन है, इसको आप अपने स्ट्रिंग के ऊपर चलाओगे तो ये बेसिकली अब आइटरेटर हो जाएगा। ओके, सो अब आप यहाँ पे देखो str आइटरेटर एट दिस, तो ये बेसिकली आपको बता दे रहा है कि ये आपका आइटरेटर हो गया है। अगर आप इसका टाइप भी चेक करोगे तो अब ये आपका आइटरेटर है। ओके, अब आप अगर यहाँ पे नेक्स्ट फंक्शन चलाओगे, सो सपोज नेक्स्ट ऑफ a, तो यहाँ पर देखो आपका क्या आएगा s। अगेन आप नेक्स्ट फंक्शन चलाओगे h, देन i, देन v, देन a, देन m। और अगर अब इसके बाद चलाते हो तो बेसिकली आपको एरर शो करेगा, आपको बेसिकली एरर शो करेगा दैट इज स्टॉप आइटरेशन, क्योंकि नेक्स्ट को ये नहीं पता होता है कि आपका जो आइटरेटर है, आपका जो भी आप जिसके ऊपर भी चला रहे हो वो कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो बेसिकली इसको जब कुछ नहीं मिलेगा एट दी एंड, m के बाद आपका कुछ नहीं है, स्पेस है, तो वहाँ पे इसको जब कुछ नहीं मिलेगा तो वहाँ पे ये बेसिकली क्या बोल देगा आपको, स्टॉप आइटरेशन। तो यहाँ पे आपको ये एक्सेप्शन शो करेगा, दिस इज कॉल्ड एन एक्सेप्शन। हम आगे पढ़ेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो बेसिकली यहाँ पे ये आपको एक्सेप्शन शो करेगा कि बेसिक आपकी जो आपके ए के अंदर जितनी भी चीज़ें थी वो सारे के सारे मैंने आइटरेट कर लिए। बेसिकली आप जो आइटरेशन है उसको स्टॉप कर दो। ओके, तो ये चीज़ें हैं। फाइन, यहाँ तक किसी को कुछ समझने में प्रॉब्लम? आइटरेटर सर, हेलो। हाँ बोलो। आइटरेटर कौन कौन से होते हैं सर? आइटरेटर कौन कौन से होते हैं? हाँ, आइटरेटर बेसिकली यार कुछ नहीं होता, आपके डेटा टाइप में कोई भी आइटरेटर नहीं होता। अगर मैं डेटा टाइप की, ओके, आप नॉर्मली हर एक डेटा टाइप को बिना आइटर फंक्शन यूज किए भी आप बेसिकली आइटरेटर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ जनरेटर। ओके, अभी हम नीचे पढ़ेंगे, यहाँ पे है जनरेटर। ओके, तो बाय डिफॉल्ट आपकी सारी चीज़ें आइटरेबल्स होती हैं। आपको कोई भी चीज़ मतलब आपकी जो भी डेटा टाइप्स होती हैं वो बाय डिफॉल्ट आइटरेटर्स कुछ भी नहीं होती। ठीक है, आपने यहाँ पे 6 डेटा टाइप देख लिए ना, देखो यहाँ पे मैंने 5 के तो नाम लिखे हैं और एक आपका नंबर्स है। तो यहाँ पे आपका कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी डेटा टाइप आपकी आइटरेटर नहीं होती है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट तो आपकी आइटरेबल भी नहीं है, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो आइटरेबल्स हैं बट दे आर नॉट आइटरेटर्स। सो बेसिक आइटरेटर्स बेसिकली ये एक एडवांस फंक्शन है। ठीक है, देखो यहाँ पे अभी आपको इसका यूज नहीं समझ में आएगा, बट अगर आप इसके ऊपर कोई भी ब्लॉग पढ़ते हो, ठीक है, सो लेट मी सपोज अगर मैं आपको एक ब्लॉग अभी दिखाऊँ तो वहाँ पे आपको देखो पता चलेगा कि बेसिकली इसका जो यूज़ है, इसका जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है वो काफ़ी मतलब वो काफ़ी मतलब इसके जो एडवांटेजेस हैं वो काफ़ी बेहतरीन है इस टर्म में। तो देखो अगर यहाँ पे एक चीज़ पढ़ोगे, अगर इसको आप पढ़ते हो तो देखो यहाँ पे एक चीज़ लिखी हो, और अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, ये स्क्रीन दिख रही है सबको? हाँ, यस सर। देखो यहाँ पे आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ड्यूरिंग माई, ओके, सो आई हैव न्यू फंक्शन, ये हिडन है, मुझे पढ़ना है। देखो इफ़ यू हैव एवर स्ट्रगल विद हैंडलिंग अमाउंट ऑफ डेटा, तो बेसिकली हमारे मशीन लर्निंग के अंदर ये चीज़ होती है कि हमारे पास बहुत सारी डेटा हाउस होती है, ठीक है। हमको लगभग कभी कभी 10 करोड़ डेटा के ऊपर भी काम करना होता है। एंड योर मशीन रनिंग आउट ऑफ मेमोरी, देन यू विल लव द कॉन्सेप्ट ऑफ आइटरेटर्स एंड जनरेटर्स इन पाइथन रेदर देन पुटिंग ऑल डेटा इन अ मेमोरी इन वन गो। It would better if we could work with enough bits dealing with data that is bad at the moment. Okay, so यहाँ पे देखो आप नेक्स्ट फंक्शन है, ये आप इस लाइन से रिलेट करो। सो बेसिकली आप नेक्स्ट फंक्शन यही काम कर रहा है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको आइटरेटर बताया और जो नेक्स्ट फंक्शन बताया वो क्या काम कर रहा है, यही तो कर रहा है ना कि मुझे एक एक डेटा निकाल के दे रहा है, ठीक है। तो एट अ टाइम जब आप लार्ज अमाउंट के साथ काम करना होता है तो सिंपली आप वहाँ पे आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो कि बेसिकली आप उसी डेटा को निकालो एट अ टाइम, वो एक-एक डेटा को आपने एक-एक डेटा के साथ काम करो, ठीक है। अगर वहाँ पे आप पूरी डेटा को एक साथ डाल दोगे, जैसे यहाँ पे हम फॉर लूप के अंदर पूरी डेटा को एक साथ डाल रहे हैं और पूरी डेटा को एक साथ यहाँ पे देख रहे हैं, तो वहाँ पे देखो यहाँ पे तो हमारे 5 वैल्यूज है, ठीक है। वो 10 करोड़ वैल्यूज यहाँ पे वहाँ पे देख ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो मुझे बेसिकली वही डेटा चाहिए जो एट अ टाइम मेरे लिए ज़रूरी है या एट अ टाइम जिसके ऊपर मुझे काम करना है। ओके, तो इसलिए बेसिकली आपका जो नेक्स्ट फंक्शन होता है, आपका जो आइटरेट फंक्शन होता है वहाँ पे यूज आता है, मतलब आपके जो आइटरेटर्स और जनरेटर्स होते हैं वहाँ यूज आता है। और टेबल्स तो आपको ये बताने के लिए कि आप बेसिकली आपकी जो सारी चीज़ें होती हैं वो आइटरेबल्स होती हैं और उनको आप आइटरेटर बना सकते हो। ओके, Okay, इसी तरीके से आप अगर रेंज फंक्शन की बात करोगे तो रेंज फंक्शन इज आल्सो योर आइटरेबल्स। सो वो भी आपकी आइटरेबल्स हैं, ठीक है। उनके वहाँ पे भी आप देखो आप क्या करते हो, फॉर आई इन रेंज सम रेंज, और वहाँ पे आप एक एक करके वैल्यू निकाल लेते हो। सो दे आर आइटरेबल्स बट दे आर नॉट आइटरेटर्स। अगर आप चेक करना चाहो तो यहाँ पे आप अगर लिखते हो नेक्स्ट ऑफ रेंज, ओके, और यहाँ पे अगर आप देखते हो सर आउटपुट क्या हुआ, अनुपम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अरे यार अनुपम चला ही गया। जावेद आप कुछ बोल रहे थे क्या? सर मैं कुछ नहीं बोल रहा था, मेरे को सर पूछना था ये कि सर जैसे आपने बोला आइटरेटर जो यूज होता है, हाँ, बड़े डाटा में से किसी मतलब डाटा को एक एक करके मतलब कलेक्ट करने के लिए होता है, यूज करते हैं जैसे। तो आइटरेबल को कहाँ यूज करते हैं सर? आइटरेबल यार आइटरेबल, अब देखो इधर देखो आप कैसा क्वेश्चन पूछ, चलो ठीक है कोई बात। देखो आइटरेबल्स का मतलब क्या होता है? आइटरेबल्स तो आपकी सारी जो आपके लिस्ट है, टपल्स है, सेट्स है, ये सारे आइटरेबल्स है ना। तो अभी आपकी इतनी क्लासेस हो गई, अभी तक आपने लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी और स्ट्रिंग्स का आपको यूज कहीं नहीं दिखा। सारी चीजें तो आप इसी से कर रहे हो, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी और स्ट्रिंग से। हेलो कर रहे थे वो तो हम ऐसे भी कर रहे थे, इसमें आइटरेबल बताने की क्या जरूरत थी? वो तो हम ऐसे भी कर रहे थे आइटरेबल। ओके, सो बेसिकली देखो यहाँ पे आइटरेबल बताने की क्या जरूरत है कि आप आइटरेबल्स बताने की ये जरूरत है कि आप आइटरेटर किसको बना सकते हो। आइटरेबल्स को ही बना सकते हो ना जो आपके आइटरेबल्स नहीं है। सो बेसिकली आपका इंट ऑब्जेक्ट आइटरेबल नहीं है, सो आप इसको आइटरेटर्स नहीं बना सकते हो। हमें दो मतलब आइटरेबल्स इसलिए पता है हम आइटरेटर को बना आइटरेबल्स। देखो ये बेसिकली जो ये कॉन्सेप्ट है जो आज आप पढ़ रहे हो, आइटरेबल्स, आइटरेटर्स एंड जनरेटर्स, और अगर इवन मैं लैम्डा फंक्शन आज की क्लास में पढ़ाता हूँ। सो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये बेसिकली आपके एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। अगर आप कहीं बेसिक पाइथन की कहीं भी आप छोटी मोटी कहीं भी क्लासेस देखते हो तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें नहीं बताई जाती है, जस्ट बिकॉज कि ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं और इनमें से इंटरव्यूज वगैरह में इन्हीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो बेसिकली आपके आइटरेबल्स, देखो आप आइटरेटर्स तो क्या है, आप अगर मैं आपको सिंपल यहाँ पे ला देता कि आप क्या कहते हैं कि आप एक आइटरेटर नाम की चीज़ होती है और बेसिकली आप किसी भी चीज़ को आइटरेटर बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस ईटर फंक्शन। अगर मैं आपको इतनी सी चीज़ बता देता और मैं आपको ये नहीं बताता कि आइटरेबल्स क्या होते हैं या फिर आइटरेबल्स का मतलब क्या होता है या फिर ये नहीं बताता कि आइटरेबल्स कौन कौन से होते हैं और आपको ये नहीं बताता कि बेसिकली आप आइटरेबल को ही आइटरेटर बना सकते हो और किसी ऑब्जेक्ट को नहीं बना सकते हो। सो ये चीज समझ में आती फिर? हाँ सर, नहीं समझ में आती वो चीज, वही चीज मैं पूछ रहा था। ठीक है, सो दैट इज व्हाई दैट मैं आपको इसलिए आपको बताया कि एट्रिबल्स। सो बेसिकली आपको पहले ये समझना ना कि एट्रिबल्स क्या होते हैं, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा डिफरेंस क्या होता है एट्रिबल्स एंड आइटरेटर्स में। ओके, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल कंफ्यूज हियर कि क्या कहते हैं भाई मतलब क्या होता है। ठीक है, डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस तो यहाँ पे कुछ नहीं है ना, डिफरेंस केवल एक चीज का है कि आइटरेटर्स में आप एक वैल्यू एट अ टाइम एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप एक एक करके वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, बट सारी वैल्यूज एक बार में आपके पास आ रही हैं। ओके, तो ये चीजें होती हैं। ठीक है, आपको अगर देखो सिंपली अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो बेसिकली अगर मैं आपको भूमिका नहीं दूंगा तो उसके आगे की चीज कैसे पढ़ाऊंगा। ओके, सो ये इसलिए आपको ये चीज यहाँ पे बताई जा रही है। ठीक है, सो आइटरेबल्स आपको डिफरेंस भी जानना जरूरी है कि बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। ओके, सो ये आपके आइटरेबल्स होते हैं। अब अगर आप देखो आइटरेटर्स की बात करते हैं, सो आपका देखो रेंज फंक्शन भी है बाय डिफॉल्ट। अब देखो एक और चीज यहाँ पे आई कि आपका रेंज फंक्शन। सो बेसिकली रेंज फंक्शन भी आपका जो बाय डिफॉल्ट होता है ये आइटरेबल्स होता है। अब आपको देखो कोई भी चीज दी जाती है तो आप बेसिकली हर चीज को चेक कर सकते हो कि वो आइटरेबल्स है या फिर वो आइटरेटर्स है या नहीं है। ठीक है, और आपको क्या करना है, सिंपली नेक्स्ट फंक्शन का यूज करना है। ठीक है, जहाँ पे भी आप को नेक्स्ट फंक्शन यूज करके 1 by 1 वैल्यूज मिल जा रही है। मतलब अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट फंक्शन यूज कर रहा हूँ और अगर मैं इसको आइटरेटर मान रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे साथ क्या होना चाहिए, यहाँ पे मेरे को सबसे पहले अगर मैं नेक्स्ट फंक्शन चलाऊंगा तो 0 आना चाहिए, सेकंड टाइम 1 आना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आना चाहिए। बट अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट फंक्शन चलाता हूँ तो देखो यहाँ पे एक चीज आएगी, रेंज ऑब्जेक्ट इज नॉट आइटरेटर। ओके, अब मुझे पता चल गया कि बेसिकली मैं इन सब को जो मेरे आइटरेबल्स हैं, ओके इन सबको आइटरेटर्स बना सकता हूँ। ठीक है, और अगर आप देखो यहाँ पे, अब देखो आपको कोई बोलता है कि बेसिकली ये आइटरेटर है कि नहीं है, तो सिंपली आपका आइटरेटर तो नहीं है। ठीक है, अब इसको आइटरेबल बनाना है तो इसको अब आइटरेटर बनाना है तो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना पड़ेगा ना कि ये आइटरेबल है कि नहीं है, क्योंकि सबसे पहली चीज क्या है कि आप उसी आइटरेटर बना सकते हो जो आइटरेबल होगा। ओके जावेद? यस सर। तो अब इसको आइटरेबल कैसे चेक करेंगे कि आइटरेबल है या नहीं है? इसको आइटरेबल चेक करने के लिए सर हम कैसे चेक करेंगे ये आइटरेबल है कि नहीं है? देखो अब आप स्टेप बाय स्टेप सोचो कि अगर आपसे कोई बोलता है कि आपके पास ये रेंज फंक्शन है, मैंने नेक्स्ट लगाया। ठीक है, आपसे कोई पूछता है कि आइटरेटर क्या होता है, आप बोलोगे नेक्स्ट फंक्शन लगा के चेक कर लो, अगर 1 by 1 वैल्यू आ रही है तो आइटरेटर है। ओके, दैट इज फाइन। अब आपसे टाइप चेक करोगे तो यहाँ पे आपके टाइप चेक करने पे भी ओके, अगर आप टाइप चेक करते हो सो दैट इज फाइन। देखो ये तो रेंज फंक्शन है ना यार, ऐसे टाइप नहीं आएगा यहाँ पे इस तरीके से। हाँ, अब देखो यही चीज तो मैंने आपको ऊपर बताई। अब आपसे वो बोलता है कि भाई इसको आइटरेटर बना के दिखाओ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये चीज चेक करनी पड़ेगी ना। अगर वो तो वहाँ पर आपके साथ ब्लंडर हो जाएगा कि अगर आप बिना इस चीज को चेक किए कि ये आइटरेबल है आप आइटरेटर बनाने चले जाते हो तो आपको तो वहीं से बाहर निकाल देगा। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये आइटरेबल है कि नहीं है। सो फॉर दैट पर्पस आपको आइटरेबल जानना जरूरी था। अब आप सोचो 2 मिनट 5 मिनट रिवाइंड करके कि मैंने 5 मिनट पहले बताया कि आइटरेबल कैसे चेक करते हैं। अनुपम, जावेद, आइटरेबल कैसे चेक करते हैं? आइटरेबल क्या होता है यार, अभी 5 मिनट पहले ही बताया ये चीज सर, जिस पे हम लूप को चला मतलब लूप यूज कर सकते हैं सर, ऐसा कुछ आपने बताया। इसके ऊपर आप लूप चला सकते हो। देखो यहाँ पे आपने चलाया हुआ है फॉर आई इन यहाँ पे आप चलाए। ठीक है, यहाँ पे नहीं चल पाया। ठीक है, मतलब जिसके ऊपर आप लूप चला के एक वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ओके, सो वेरी गुड। सो फॉर आई इन रेंज। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे लूप चला रहे हो और अगर ये सक्सेसफुली चल जा रहा है, ओके सो अगर ये सक्सेसफुली चल जा रहा है सो दैट इज फाइन, मतलब ये आइटरेबल है। ओके, अब अगर मुझे इसे आइटरेटर बनाना है, ठीक है, मतलब मुझे मेरा पहला पड़ाव पार हो गया कि भाई ये आइटरेबल तो है, दैट इज कम्प्लीटली फाइन, ये आइटरेबल है। ओके, अब भाई जब ये आइटरेबल है तो मतलब मैं इसको सिंपली आइटरेटर तो बना ही सकता हूँ। ठीक है, वहां मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो इसको अब आइटरेटर कैसे बनाएंगे? इसको आप आइटरेटर कैसे बनाएंगे? आइटर फंक्शन का यूज करेंगे। ओके, सो सिंपली क्या करो, इसको किसी वेरिएबल के अंदर क्या करो, आइटर तो रेंज। ओके, सो दिस इज फाइन। देखो ये आपका अब ये आइटरेटर बन गया। ओके, अब आप अगर नेक्स्ट ऑफ d करोगे सो एवरी टाइम ये आपको 0 देन 1 देन 2 और ये बेसिकली 9 तक देगा। 9 के बाद आपको बोलेगा, अगर 9 के बाद आप चलाते हो तो ये आपको बोलेगा स्टॉप आइटरेशन। ओके, दैट इज फाइन। आइटरेबल आइटरेटर समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब तीसरी चीज पढ़ते हैं, दैट इज योर जनरेटर। Okay, so generator is a kind of object which keep on generating new data set, remembering the fact that what I am generating last time। मतलब कि जनरेटर एक तरह का ऑब्जेक्ट होता है जो कि नए डेटा सेट जनरेट करना है, नया डेटा सेट जनरेट करता है। मतलब देखो, अगर आप इस डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ोगे तो आप इसको आराम से रिलेट कर पाओगे विद द नेक्स्ट फंक्शन। याद आ रहा है? नेक्स्ट फंक्शन के अंदर भी हम यही काम करते हैं। नेक्स्ट, अगर देखो नेक्स्ट फंक्शन के अंदर यही काम कर रहे हैं ना, नेक्स्ट ऑफ d। अब देखो अगली बार 3 करेगा, देन 4 करेगा। सो हर बार नए डेटा सेट जनरेट करेगा। इसको क्या याद रहेगा? रिमेम्बरिंग द फैक्ट व्हाट आई एम जनरेटिंग लास्ट टाइम। मतलब मैंने पिछली बार क्या जनरेट किया था, बेस्ड ऑन दैट वैल्यू आई एम जनरेटिंग अ न्यू वैल्यू। ओके, सो दैट इज अ, मतलब ये भी आपका 1 by 1 एक करके 1 वैल्यू एट अ टाइम जनरेट करने के लिए आपका जनरेटर यूज होता है। ओके, सो सिंपल, ठीक है, मुझे पता है। अब देखो ये कोई बड़ी बात नहीं है। सो अगर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। ओके, सो अगर मैं एक सिंपल फंक्शन बनाता हूँ और वहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वहाँ पे मैं बेसिकली ये काम करता हूँ। ओके, सो सपोज अगर मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ टेस्ट नाम का, और यहाँ पे अगर मैं ये करता हूँ for i in range, ओके, सो दैट इज यहाँ पे भी, ठीक है। सो for i in range, और मैं इसको क्या कर रहा हूँ, प्रिंट करा लेना। सो प्रिंट ऑफ मीन्स i। अगर मैं ये काम कर ले रहा हूँ और मैं यहाँ पे टेस्ट को कॉल करके क्या करता हूँ, बेसिकली 5 कर देता हूँ। सो देखो जनरेटर बेसिकली काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट तो नहीं, बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ, आप बोल सकते हो इट्स अ फंक्शन। ठीक है, हम ऊपर तक अभी तक जो काम कर रहे थे, आइटरेबल आइटरेटर्स और ये सारी चीजें कर रहे थे, तो वहाँ पे हम बेसिकली फंक्शन नहीं क्रिएट कर रहे थे। जनरेटर आप बेसिकली काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट और आप स्लैश लगा के आप बोल सकते हो काइंड ऑफ फंक्शन। ओके, सो आप सब पता है कि यहाँ पे क्या रिजल्ट आने वाला है। अगर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट कराऊंगा, यहाँ पे अगर मैं इसको रन कराऊंगा, तो आपको पता है 0 1 2 3 4 ये रिजल्ट आने वाला है मेरा। ओके, सो ये तो मेरा फंक्शन है जिसके अंदर मैंने फॉर लूप चलाया रेंज एक पर्टिकुलर रेंज तक, और ये चीजें आ गई। अगर मैं यहाँ पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ प्रिंट ऑफ आई के साथ, अगर मैं कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, सपोज मेरे पास जो भी वैल्यूज हैं उनका मुझे क्यूब निकालना है। ओके, सो दैट ऑल्सो कम्प्लीटली फाइन। 0 1, देन 2 का क्यूब 8, देन 3 का क्यूब 27, और देन आपके 4 का क्यूब 64। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चीज मुझे पता है। बट ओके, किसी का कोई क्वेरी है? सर नेट स्लो है, कुछ दिख नहीं रहा यार, अनुपम। नेट तो यार यहाँ भी स्लो था, अभी स्टेबल हो गया है तो मैं आराम से चला पा रहा हूँ। बट जावेद, आपको दिख रहा है? यस सर, मेरे को दिख रहा है क्लियर। अनुपम यार देखो यार, आप चेक करो स्टेबल, आप अपना नेट कनेक्शन चेक करो। बाकी यहाँ पे सही है, स्टेबल है यहाँ पे कनेक्शन। देखो सो बेसिकली यहाँ पे आपने फंक्शन बना दिया और ये काम कर लिया। ठीक है, तो ये काम आप कर सकते हो। बट यहाँ पे जो मैं जनरेटर वाली, तो मैं बेसिकली जनरेटर के थ्रू अचीव करना चाहता था कि 1 by 1 मैं, मतलब न्यू डेटा सेट मैं जनरेट कर रहा हूँ, और ठीक है ये वाला जो काम मैं करना चाह रहा था वो मैं यहाँ पे नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, सो दैट वाज कम्प्लीटली फाइन। उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए आप क्या करो, बेसिकली यहाँ पे जो आपने फंक्शन बनाया, ठीक है, तो फंक्शन का नाम आप कुछ भी रखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप अगर जनरेटर करो तो आप यहाँ पे फंक्शन का नाम जन क्यूब रख सकते हो, और आप अगर आप क्यूब बना रहे हो सो दैट इज फाइन, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इस बेसिकली इस फंक्शन को जनरेटर बनाने के लिए क्या करोगे, आप यहाँ पे प्रिंट मत कराओ। ओके, यहाँ पे आपको प्रिंट नहीं कराना है। यहाँ पे आपके पास एक चीज होती है, दैट इज इल्ड ऑपरेशन। सो बेसिकली आप क्या करो, इसको प्रिंट मत कराओ, इसको इल्ड कराओ। ठीक है, मुझे क्या करना है 1 by 1, मतलब मेरे को पहले 0 चाहिए, देन 1 चाहिए, देन 8 चाहिए, देन 27 चाहिए, देन 64 चाहिए। ओके, इस तरीके से। सो मुझे क्या करना है, इसको इल्ड कराना है। सो इसमें क्या करो, आप बेसिकली इसको प्रिंट मत कराओ, इसको इल्ड कराओ। अब देखो जब आप इसको कराओगे तो यहाँ पे अब आपका जनरेटर ऑब्जेक्ट बन गया। ओके, जनरेटर ऑब्जेक्ट टेस्ट, मतलब टेस्ट का मतलब क्या है, आपका फंक्शन एट या ठीक है। सो ये आपका जनरेटर ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, बेसिकली आप जब इल्ड फंक्शन यूज करते हो तो ये आपका जनरेटर ऑब्जेक्ट बन जाता है। ओके, दैट वाज कंप्लीटली फाइन। अब आप को अगर यहाँ पे एक एक वैल्यू निकालनी है, इससे एक एक वैल्यू बाहर निकालनी है। ठीक है, अब देखो इसको आप चला के भी देख सकते हो कि ये आपका सही है कि नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज मेरा बिल्कुल सही है। सो फॉर आई इन रेंज, अगर मैं फॉर आई इन बेसिकली रेंज क्यों करना है मुझे, फॉर आई इन आपका जो भी फंक्शन है, सो आपका फंक्शन क्या है, टेस्ट, और यहाँ पे टेस्ट की जो भी आपने वैल्यू दे रखी है 5, और यहाँ पे अगर आप प्रिंट कराते हो बेसिकली आई को। ओके, सो देखो ये चीज़ जो आप ऊपर प्रिंट में आ रही थी वो चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। ओके, सो दैट दिस इज़ फाइन। बट मुझे ठीक है, ये तो मतलब ये चीज़ तो आपने चेक कर ली। ठीक है, सो दिस इज़ फाइन, मुझे ये नहीं चाहिए। अब देखो क्या होगा, जब आप जनरेटर ऑब्जेक्ट बना लेते हो तो आप बेसिकली आप एक एक वैल्यू को 1 बाई 1, आप 1 बाई 1 का मतलब 1 वैल्यू एट अ टाइम आप निकाल सकते हो। ओके, सो दिस इज योर जनरेटर फंक्शन, दिस इज योर जनरेटर ऑब्जेक्ट। और हमने ऊपर पढ़ रखा है कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जो बेसिकली ये चीज करता है कि 1 बाई 1 मीन्स 1 वैल्यू एट अ टाइम वो एक्सट्रैक्ट करके देता है, दैट इज योर नेक्स्ट फंक्शन। सो अब मैं क्या करूंगा, अपने नेक्स्ट फंक्शन को किसके ऊपर चलाना है मुझे, अपने नेक्स्ट फंक्शन को मुझे चलाना है मेरे जनरेटर फंक्शन के ऊपर। ओके, सो दिस इज माय जनरेटर फंक्शन टेस्ट, और इसके ऊपर अगर मैं अपना नेक्स्ट फंक्शन चलाता हूं तो देखो, सो यहाँ पे देखो एक चीज हो रही है। अब देखो, अब जितनी बार मैं इसको करा रहा हूँ ये हर बार मुझे क्या दे रहा है, ये हर बार मुझे 0 दे रहा है। ओके, हर बार मुझे 0 दे रहा है, ये आगे की वैल्यूज नहीं दे रहा है मुझे। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपका जनरेटर फंक्शन है वो भी किसकी तरह काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई एरर नहीं दे रहा है, यहाँ पे एरर इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि आपने इल्ड का यूज किया है, अदरवाइज यहाँ पे वो वही सेम एरर देता जो हम बेसिकली ऊपर देखते आ रहे थे, दैट इज योर दिस ऑब्जेक्ट इज नॉट आइटरेबल। बट बेसिकली अब आपका ये आपका सिंपल कोई ऑब्जेक्ट नहीं रह गया, ये बेसिकली आपका जनरेटर ऑब्जेक्ट बन गया है। तो जनरेटर ऑब्जेक्ट में इस तरह की एरर नहीं देगा। बट यहाँ पे आपको 1 बाई 1 वैल्यू एट अ टाइम आपका एक्सट्रैक्ट होकर भी नहीं निकल रहा है, मतलब ये आपकी आइटरेटर नहीं बनाया अभी। ठीक है, तो इसको मुझे आइटरेटर बनाना है। अब आप कई बार देख चुके हैं यार कि हम आइटरेटर कैसे बनाते हैं, तो हम बेसिकली क्या करेंगे, सिंपल इस फंक्शन को, जो हमारा फंक्शन है टेस्ट वाला जो फंक्शन है, इसको मैं आइटरेटर बना दूंगा विद द हेल्प ऑफ इटर फंक्शन। ओके, सो जब मैं इटर फंक्शन बना दूंगा तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब जब मैं वैल्यू निकालना चाहूँगा, सो अब बेसिकली ये मुझे 0, 1 और जितनी भी वैल्यू है 27 देन 864। ठीक है, इसके आगे नहीं है तो स्टॉप आइटरेशन। ओके, सो दिस इज योर जनरेटर ऑब्जेक्ट। सो जनरेटर के लिए कुछ ज़्यादा नहीं सीखना है, कुछ ज़्यादा नहीं जानने की जरूरत है। जनरेटर के लिए आपको बेसिकली क्या करना है, जनरेटर के लिए आपको इल्ड फंक्शन का यूज करना है। ओके, किसी भी फंक्शन को या किसी भी ऑब्जेक्ट को जनरेटर बनाने के लिए आपको इल्ड का यूज करना है। ओके, सो दैट इज कम्प्लीटली फाइन। तो बेसिकली जो आपके आइटरेटर्स होते हैं या आपके जो जनरेटर्स होते हैं, तो ये बेसिकली ये ब्लॉग भी आपके साथ में शेयर कर दूंगा। तो बेसिकली ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, आप बार बार पढ़ोगे, आप बेसिकली यही चीज जानो अभी के लिए। ठीक है, अभी के लिए, क्योंकि अभी आप मशीन लर्निंग बहुत टाइम है पढ़ने में। ठीक है, तो अभी के लिए केवल इतना जानो। तो जो आपके आइटरेटर्स होते हैं या आपके जो जनरेटर्स होते हैं, ये किसी बड़े फंक्शन या किसी बड़े डेटा सेट में आपकी मेमोरी को बचाने के काम आते हैं। ओके, बेसिकली हम मेमोरी से बाहर, मेमोरी हम ज्यादा नहीं यूज करें, या एक एरर आती है लीकेज मेमोरी। ओके, सो हम बेसिकली वो उस जगह पे ना पहुंचे, हम ऐसी एरर से हमारा सामना ना हो, उसके लिए उस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली आपके ये दो चीजें आती हैं, दैट इज योर आइटरेटर्स एंड जनरेटर्स। ओके, अभी के लिए केवल ये चीज याद रखो कि बेसिकली ये आपकी मेमोरी को सेव करने के लिए काम आती है। और कैसे सेव करती है, क्योंकि ये हमें एट अ टाइम एक वैल्यू देंगी, मतलब एट अ टाइम हमें केवल वही डेटा सेट देंगे जो कि बेसिकली इंपॉर्टेंट है। ओके, फॉर दैट टाइम। ओके, तो सर आपने जनरेटर लगाया, जनरेटर में चेंज किया पहले, फिर उसके बाद आइटरेटर में चेंज किया। जनरेटर में अरे यार, तो ये अगर मैं नॉर्मल फंक्शन बनाता, ठीक है, हाँ। अगर मैं ये नॉर्मल फंक्शन बनाता तब तो मैं यही प्रिंट हो जाता ना, हाँ। तो ये मैं जनरेटर ऑब्जेक्ट तो नहीं हो पाता ना, मैं इसको जनरेटर ऑब्जेक्ट बना रहा था। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि बेसिकली ये जनरेटर ऑब्जेक्ट कैसे बन रहा है। तो जनरेटर को भी हमको आइटरेटर बनाना पड़ता है लास्ट में प्रिंट कराने के लिए। वो तो देखो आपको एक एक वैल्यू, देखो यहाँ पे आपको वो वाली एरर नहीं आई जो आपने ऊपर देख रहे थे, ठीक है, ये वाली एरर नहीं आ रही थी, ठीक है। तो यही चीज तो आपसे मैं बोला कि बेसिकली मुझे ये एरर नहीं दिखेगी, बट मेरा एक ही वैल्यू पे हो रह जाएगा, क्योंकि वो आगे आइटरेट नहीं कर पा रहा है बेसिकली, क्योंकि आपका जो जनरेटर है वो भी आपका आइटरेबल है, वो आइटरेटर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं केवल इसको जनरेटर ऑब्जेक्ट बना रहा था विद द हेल्प ऑफ फील्ड फंक्शन। अगर आप यहीं पे प्रिंट कर रहे थे तो वो वैल्यूज प्रिंट होके आ रही थी। ओके ओके सर, इसको कंफ्यूज ना तो बस वो अभी के लिए तो आपको पता है ना। आप केवल इतना सा ध्यान रखो, जो आपको मैं ब्लॉग भी शेयर करूंगा, कि बेसिकली ये आपके मेमोरी मैनेजमेंट में काम आते हैं। ओके, जब आपको बेसिकली ये चीज़ देखो, केवल इसके डेफिनेशन के थ्रू जो ये बात बता रहा है, केवल उसको ध्यान रखो कि एक एक वैल्यू, वन वैल्यू एट अ टाइम जब मुझे चाहिए, सो वहाँ पे मैं जनरेटर या आइटरेटर यूज करूँगा। ओके ओके सर, ठीक है, फाइन। अब यार अब मुझे बताओ कि किसने फेबनाची वाला प्रोग्राम बनाया? जावेद नहीं बना सर मेरे से। अरे यार ट्राई किया था। हाँ सर कर रहा था, नहीं बना। मैं बोला कि अनुपम आप यस सर बोलिए। हाँ, आप फेबनाची वाला आपने प्रोग्राम बनाया, जनरेट करने के लिए? नहीं समझ में आया सर, नहीं समझ में आ रहा वो। अरे यार समझ में, फेबनाची सीरीज तो मैंने आपको बोला था कि एक सीरीज होती है ना, आपको केवल वो सीरीज ही प्रिंट करानी थी। मतलब वहाँ पे देखो, तो आपको एक सीरीज ही प्रिंट करानी थी। एक सीरीज का मतलब, फेबनाची का मतलब होता है कि आपकी बेसिकली, अगर आपको मैं बोलता हूँ कि आपको 10 फेबनाची या 5 फेबनाची सीरीज तक जाना है, तो मतलब आपका पहले 5 फेबनाची जो नंबर्स होंगे वो बेसिकली ये होंगे, ठीक है। ये चीज़ तो आप मुझसे उस टाइम भी पूछते, तो मैं आपको वहीं पे बता दे रहा, ठीक है। आपने बोल, मेरे ख्याल से मुझे लगा सबको आता है, मैंने बताया भी था, शायद गौरव को कन्फर्म किया था कि 0 then आपका 0 के बाद 1, तो 0 + 1 that is 1, then 1 + 1 2, then ये यार तो यही तो अनुपम बोला, मुझे समझ में नहीं आया। सो 2 + 1 3, then 3 + 2 5, then 5 + 3 8। अरे यार तो और क्या होती है फेबनाची सीरीज? 8 और मैंने बोला भी था यही चीज होती है, 13। तो बेसिकली ये सीरीज मुझे प्रिंट करानी थी। ओके, सो दिस इज योर फेबनाची सीरीज। सो इसको अगर मैं बोलूँगा तो ये कितने हैं? तो आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक की फेबनाची सीरीज यहाँ पे हो गई, ठीक है। तो फेबनाची सीरीज कैसे बनती है? अरे यार देखो बहुत सारे तरीके हैं। मैं आपको अगर सर, जैसे सी में हम लूप यूज करते हैं, सी प्रोग्रामिंग में, अरे यूज करते हैं, लॉजिक ही क्रिएट करना है ना आपको। देखो प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है? प्रोग्रामिंग का, अगर मैं प्रोग्रामिंग को स्टेप्स में बांटूं, सो प्रोग्रामिंग का होता है कि सिंपल आपको जो भी मैथमेटिक्स सीखिए, ठीक है। सो बेसिकली आपकी कुछ भी मैथमेटिक हो, कोई भी मैथमेटिक लग हो, ठीक है, पहले आपको वो चीज़ पता होना चाहिए। जैसे कि अभी अनुपम ने पूछा कि ठीक है फेबनाची सीरीज क्या होती है, तो बेसिकली आपको पहले वो चीज़ पता होनी चाहिए फेबनाची सीरीज क्या होता है। अगर मैं आपको बताऊँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना, तो आपको पहले वो चीज़ पता होनी चाहिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होती है, और उसको आप कंप्यूटर की भाषा में कैसे सोच सकते हो। दैट इज द फर्स्ट थिंग। देन सेकंड थिंग, आपको लॉजिक क्रिएट करना होता है। सो लॉजिक इज सेम एवरीवेयर, कहीं पे भी आप प्रोग्रामिंग करो, किसी भी लैंग्वेज में। आई थिंक देयर आर मोर देन 30+ लैंग्वेजेस, और आप किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करो, लॉजिक आपका ये जो ऊपर वाली दो चीज़ें हैं, जहाँ पे आपको मैथमेटिक्स के वो कैलकुलेशन को आपको याद करना है, उसके फॉर्मूले को याद करना है, और दूसरी चीज़ जो आपको लॉजिक बिल्ड करनी है, ये दो चीज़ें आपकी हर जगह सेम आएगी, कहीं पे भी आप चले जाओ, ठीक है। लॉजिक तो आपका सब जगह सेम रहेगा ना यार जावेद। और थर्ड चीज होती है दैट इज सिंटैक्स। सो सिंटैक्स बेसिकली चेंज होती है लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। ओके, सो अगर आप C++ की चीज अगर आप C++ की चीज नहीं यार, वो तो कोई बात ही नहीं है। सिंटेक्स तो आपको पाइथन का सबसे सिंपल, अगर आप मुझे C++ का, चलो ठीक है, आप मेरे को C++ का लॉजिक बताओ कि कैसे आप क्रिएट करते विद द हेल्प ऑफ, अगर मैं बोलता तो आप किस तरीके से क्रिएट करते। ठीक है, अगर आप मुझे लॉजिक बताओ, मैं इसी के अंदर आपको क्रिएट करके आप ही वाला प्रोग्राम बता दे रहा हूँ। ठीक है, मैं फिर बनाऊंगा, सो दैट इज समथिंग। ठीक है, मैं बहुत छोटे में बना दूंगा। ठीक है, आप कुछ, आप अगर बड़े में सोच के बना रहे हो सो दैट इज कम्प्लीटली फाइन। मैं ठीक है, मैं 2-3 साल से कर रहा हूँ तो ठीक है, मैं किसी भी प्रोग्राम को ठीक है छोटा कर सकता हूँ। बट अगर आप अभी स्टार्ट किए हो और आप अगर कोई प्रोग्राम बड़ा बना रहे हो सो दैट इज कम्प्लीटली फाइन। वो आप करते करते आप भी मेरी तरह क्या कहते हैं, आप 2 लाइन में फिर प्रोग्राम करने लगोगे। बट यहाँ पे आपको पहले लॉजिक क्रिएट करना है कि लॉजिक क्या है। सो लॉजिक क्या था मेरा यहाँ पे, लॉजिक क्या है कि मुझे एक एक नंबर को ऐड कराते जाना है। ओके, सो मीन्स अगर मैं बात करूँ फिबोनाची की, सो देखो यहाँ पे मैं बहुत छोटा सा बनाने जा रहा हूँ और मैं बेसिकली आपको 2-3 कॉन्सेप्ट इसके अंदर बताना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं 0 से नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ, 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ और दैट इज कम्प्लीटली फाइन। ठीक है, मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, वो आप कर सकते हो। ओके, सो अगर मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ तो मतलब मेरी पहली वैल्यू क्या होगी, 1। मतलब आपकी अगर 0 के बारे में सोचोगे तो आपको पहली दूसरी वैल्यू आप डिफाइन ही कर देते हो ना, और जब 2 वैल्यू डिफाइन करोगे तभी तो आप एडिशन करते जाओगे। सो मेरी पहली वैल्यू क्या हो गई, 1 और दूसरी वैल्यू हो गई आपकी 1। ओके, सो ये वैल्यू मैंने डिफाइन कर दी, सिंपल, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, फॉर आई इन रेंज। अब आपको किस रेंज तक जाना है, रेंज का मतलब क्या है कि आपको जितने भी फिबोनाची, आपको जितनी भी नंबर्स प्रिंट करानी है। ठीक है, तो जैसे अभी मैं बोला था कि मैं 9 नंबर तक के प्रिंट करा दिया उसके अंदर। ठीक है, तो आपको जहां तक भी जाना है, सपोज 8। ओके, दैट इज कंप्लीट फाइन। मतलब यहाँ पे आपको एन देना पड़ेगा, आप नीचे डिफाइन करोगे नंबर, और सॉरी यहाँ पे भी तो मैं ये गलती क्यों कर रहा हूँ बार बार। ओके, सो फॉर आई इन रेंज एन, तो मतलब आई इन रेंज है। अब यहाँ तक तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा बेसिकली, अब मुझे एक वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं कोई एक वैल्यू प्रिंट करा दूंगा जिसके ऊपर देखो आपकी सबसे पहले जो वैल्यू आएगी, अगर मैं 0 से भी स्टार्ट करता हूँ तो सबसे पहली वैल्यू आपकी 0 आएगी वहाँ पे। ठीक है, और अगर मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ मतलब पहली वैल्यू वहाँ पे क्या आएगी, 1 आएगी, प्रिंट ए। ठीक है, ये मैं करा सकता हूँ। ओके, सो मतलब मैंने पहली वैल्यू प्रिंट करा दी, 1 को मैंने प्रिंट करा दिया। ओके, सो दिस इज फाइन, मैंने 1 को प्रिंट करा दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, 1 के अंदर, ठीक है, मतलब a+b करना है, और आपके a+b तो करना ही है, उसके साथ साथ आपको क्या करना है, उसके साथ साथ अब जो नया नंबर आएगा। ओके, सो बेसिकली फॉर आई इन रेंज एन, सो सपोज मैं आई की जो एन की रेंज है वो 5 तक ले लेता हूँ, तो अब जो नया नंबर आएगा वो भी इसके अंदर बेसिकली ऐड करते चले जाना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो मैं चीज़ लिख रहा हूँ, तो बेसिकली ये थोड़ा सा एडवांस टाइप का कॉन्सेप्ट है, बट देखो बेसिकली पाइथन क्या करता है, आपको यहाँ पे पता है पाइथन स्वैपिंग ऑपरेशन इस तरीके से करता है ना। ठीक है, अगर मैं आपको 2 नंबर को स्वैप करने को बोलूँ तो आप कर सकते हो। जावेद अनुपम, 2 नंबर को अगर मैं स्वैप करने को बोलूँ, आपने बताया था शुरू में, तभी पूछ रहा हूँ ना, आप अगर 2 नंबर को स्वैप करने को बोलूँ तो आप कर सकते हो 2 नंबर को स्वैप। हाँ चलो ठीक है, बताओ। So if a equals to 5, b equals to 10, so if I want to swap these 2 number, so कर सकते हैं हम? बोलो कैसे होगा अनुपम? 2 नंबर सर, पहले हम एक मतलब किसी एक नंबर को मतलब दूसरे वेरिएबल में सर स्टोर कराएंगे ना पहले। ओके, सो दैट इज द डिफरेंट थिंग। ठीक है, वो आपके दूसरे कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सो स्वैपिंग अगर ओके, आप एक थर्ड वेरिएबल लेने की बात कर रहे हो ना? हाँ सर, उसमें फिर स्टोर कराएंगे फिर उसके बाद। ओके, वेरी गुड। ठीक है, ये चीज आपको आती है। अनुपम आपको भी समझ में आया? ठीक है, आप एक थर्ड वेरिएबल करा के कैसे कर सकते हो, थर्ड वेरिएबल के अंदर स्टोर करा के। हेलो, हाँ हेलो, हाँ अनुपम, कोई दिक्कत नहीं है, सब बिगिनर्स हैं, आराम से बताओ। अगर थर्ड वेरिएबल की बात आपको नहीं पता है तो, अगर और आप पाइथन पढ़ रहे हो तो आपको थर्ड वेरिएबल का मीन्स आपको थर्ड वेरिएबल की जरूरत ही नहीं है पाइथन के अंदर, और थर्ड वेरिएबल की जरूरत आई थिंक किसी और लैंग्वेज में भी नहीं है, बट पाइथन के अंदर और भी सिंपल हो जाता है। पाइथन के अंदर अगर आपको स्वैपिंग करानी है, ओके, सो ए की वैल्यू है 5, बी की वैल्यू है 10, अगर मुझे स्वैपिंग करानी है यहाँ पे तो मैं क्या करूँगा, ए बी इक्वल्स टू बी ए, ओके, देखो हो गया जावेद, समझ में आया? यस सर। कितनी सिंपल है यहाँ पे स्वैपिंग, बहुत सिंपल सर, ठीक है। तो वही सेम चीज मैं यहाँ पे करूंगा। अब देखो, अब इस चीज को समझो, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ए कॉमा बी इक्वल्स टू बी कॉमा ए प्लस बी, देखो सो बी कॉमा ए प्लस बी का मतलब यहाँ पे, अब अगर मैं, चलो एक बार पहले मैं इसको रन करा लेता हूँ, सो जस्ट लेट मी वेरीफाई कि ये सही है या नहीं। सो 8 and 1 1 2 3 5 8 13 and 21, okay, so this is completely right। अब देखो, अब इस चीज को समझो, ठीक है। ऐसे किसी को समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या हुआ, ए बी और ए प्लस बी? अगर कोई और ओके, सो देखो सिंपली 1 1 इक्वल्स टू बी की वैल्यू क्या है 1, ओके सबसे पहली वैल्यू की बात कर रहा हूँ, और इस जगह पे आप देखो 1 प्रिंट करा चुके हो, ओके। अब आपकी लूप चली, सो आप कहाँ पे पहुंचे, आप 1 पे पहुंचे, ठीक है। सो आपकी लूप जो पहली बार चली, अब 1 प्लस 1 2, ओके। तो यहाँ पे देखो क्या हो जा रहा है, आपको स्वैपिंग, देखो यहाँ पे आपने देखा ना, तो बेसिकली ए की वैल्यू सो ए बी और ए बी इक्वल्स टू बी और कॉमा ए प्लस बी का मतलब क्या है कि ए की वैल्यू बी हो जाएगी और बी की वैल्यू ए प्लस बी हो जाएगी, ओके। तो यहाँ पे आपकी ए की वैल्यू क्या हो गई 1, ओके। अब आपकी ए की वैल्यू क्या हो गई 1 और बी की वैल्यू क्या हो गई 2, ओके। बी की वैल्यू 2 है ना यार, देखो ये आपका ए बी है, ये आपका ए बी है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, बी और ए प्लस बी। सो बी का क्या है, बी आपकी, बी की वैल्यू अभी तक 1 थी और a प्लस बी क्या हो जा रही थी 1 प्लस 1 2, ओके। सो ये क्या हो गई, a की वैल्यू 1 हो गई और b की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है। इस तरीके से नंबर्स ले लेता है ना, ये देखो जैसे यहाँ पे लिया ऊपर, ठीक है। अब आपकी जब दूसरी बार लूप चली, सो अब आपके a की, अब आपकी फिर से a का a 1 प्रिंट होके आ गया, ठीक है। दूसरी बार a प्रिंट होके आ गया, तो a प्रिंट हुआ दूसरी बार, तो a की वैल्यू अभी भी 1 थी, तो 1 प्रिंट होके आ गया। अब जब लूप चलेगा, तो ए बी, ओके, सो ए बी और यहाँ पे अब क्या होगा, अब आपके जो ए की वैल्यू होगी, ओके, सो अब आपके बी की वैल्यू क्या है 2 है और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी ए प्लस बी क्या है 2 प्लस 1, सो 2 प्लस 1 3। तो अब आपके ए की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई, सो बेसिकली यहाँ पे 2 प्रिंट होके आ गया और बी की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई, ओके। अब जब नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा, सो अगेन ए बी, ओके, और आपके b की वैल्यू अब क्या है, अब आपकी b की वैल्यू 3 है और a प्लस बी क्या है 5, ओके। इसी सीक्वेंस में ये चलता चला जाएगा। देन आपके नेक्स्ट टाइम क्या आएगा, नेक्स्ट टाइम आपका यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, देन अगली बार आपका 8 और 13 हो जाएगा, ठीक है। अब समझ में आ रहा है ना ये क्या हो रहा है? अरे जो 2 बार 1 1 आया है, हाँ? वो 1 बार भी तो आ सकता है सर, तो उसके लिए तो आपको क्या यहाँ पे यार ये मत चलाओ, अरे सॉरी ये नहीं चलाओगे तो 1 टाइम, ठीक है। आप वहाँ पे ऊपर चीज कर सकते हो, ठीक है, वो चीज आप जीरो लेके करते हैं, तो वो चीज तो मैंने आपको बोली ना यार स्टार्टिंग में कि आप 0 से स्टार्ट कर सकते हो, मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, दैट इज फाइन, आप कर सकते हो, 0 से स्टार्ट कर सकते हो, आप कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी फिबोनाची सीरीज थी। अब देखो फिबोनाची सीरीज ये तो बिल्कुल छोटा सा तरीका है जहाँ पे मैं स्वैपिंग करके कर रहा हूँ, ठीक है। आप बिना स्वैपिंग के भी आप सिंपल अपने तरीके से भी कर सकते हो। आप यहाँ पे थर्ड वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर सकते हो, जैसे आप यहाँ पे थर्ड वेरिएबल इंट्रोड्यूस करके कर सकते हो, तो वैसे आप यहाँ पे भी थर्ड वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो थर्ड वेरिएबल इंट्रोड्यूस करोगे तो वहाँ पे क्या करोगे, आप थर्ड वेरिएबल के अंदर ए प्लस बी कराओगे और आप प्रिंट किसको कराओगे, थर्ड वेरिएबल को। मतलब आप एक बार स्टार्टिंग में ए और बी को प्रिंट करा दोगे और उसके बाद आपकी जो प्रिंटिंग होगी वो आपके थर्ड वेरिएबल सी की होगी, ओके। उस तरीके से आप कर सकते हो। अब वो आप सोचो कि आप उस तरीके से भी कैसे कर सकते हो, ठीक है। ये तो बेसिकली बिल्कुल छोटा सा तरीका है जहाँ पे आप स्वैपिंग के थ्रू अचीव कर ले रहे हो, ओके। और आपको मीन आपको क्या है कि मतलब आपको ऐसे ही तरीके खोजने हैं, आपको बेसिकली इसी तरीके के ऐसे ही तरीके आपको हर बार खोजने हैं। जब भी आप प्रोग्रामिंग करो, छोटे से छोटे में आप अपनी बात को समझा सको, तो आपको हमेशा ऐसे तरीके खोजने हैं। बट यस, आपको खुद का लॉजिक भी बिल्ड करना आना चाहिए। तो जैसे जावेद आप बोले कि टेम्प वैल्यू यूज कर सकते थे, ठीक है, आप कर सकते हो, आप उसको भी इम्प्लीमेंट करके लेकिन देखो कि आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ओके, दैट इज द बिगर थिंग। अगर आप यहाँ पे थर्ड वैल्यू इंट्रोड्यूस करते हो तो आप उस थर्ड वैल्यू को इंट्रोड्यूस करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये तरीका तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, हर बार अब ये तरीका, अब आपको मैं बड़ा तरीका बताऊं और आप कोई छोटा सा तरीका लो, ये अच्छी बात है। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से बता दिया। आप कोई बड़ा आप थर्ड वेरिएबल आपको ज्यादा अच्छे से आता है, आप थर्ड अपना खुद का लॉजिक बिल्ड करो। ठीक है, मेरे इसको कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो दैट इज कंप्लीटली फाइन। अब अगर इसी को मुझे जनरेटर बनाना है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अरे अगर इसी को मैं बोलूँ कि मुझे जनरेटर बनाना है तो यहाँ पे बेसिकली आप प्रिंट हटा के इल्ड का यूज करोगे। ओके, सो दिस इज फाइन। यहाँ पे आप इल्ड का यूज कर लो। ठीक है, अब आपका ये जो चीज़ है ये बेसिकली जनरेटर हो जाएगा। अब आपको पता है जनरेटर में से कैसे आप प्रिंट करो, तो आप इसके ऊपर फॉर लूप चला सकते हो। सो फॉर लूप चलाओगे तो आपको पूरी वैल्यू एक साथ मिल जाएगी। और अगर आप इसको इटर फंक्शन यूज करके आइटरेटर बना देते हो तो आप एक वैल्यू को वन वैल्यू एट अ टाइम आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ओके, ये चीज़ें अब आपको आती हैं। मुझे ये पूरी ऊपर वाली चीज़ को यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं आई थी। ओके, ठीक है, तो बेसिकली ये होती है आपकी, ये होते हैं आपके आइटरेबल्स, आइटरेटर्स एंड जनरेटर्स। ये कॉन्सेप्ट होता है आपके आइटरेबल, आइटरेटर्स और जनरेटर का। ओके, सो आई थिंक दिस इज फाइन। ये चीज़ें सबको समझ में आई है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो मैं अब आगे जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली वो बेसिकली आपका वो ये आज जितनी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ बेसिकली इतना ध्यान रखना कि अगर आप किसी मशीन लर्निंग की इंटरव्यू में जाते हो, मशीन लर्निंग इंजीनियर के लिए जाते हो और आप पाइथन फंडामेंटल, कोई बोलता है कि आपसे इंटरव्यू पाइथन फंडामेंटल पूछा जाएगा, तो आप होके जाओ कि आपसे बेसिकली यही सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। ठीक है, कोई आपसे क्लास का बड़ा सा प्रोग्राम बनाने को नहीं बोलेगा, क्योंकि उतना उनके पास भी टाइम नहीं है कि आप 1 घंटे बैठ के क्लास का प्रोग्राम बनाओ। उनके पास इतना सा टाइम है कि आपको ये छोटा सा प्रोग्राम देके चेक कर लें। ठीक है, सो दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। अब देखो, अब बेसिकली हम बात करते हैं समथिंग इज कॉल्ड एनोनिमस फंक्शन एंड बेसिकली एनोनिमस फंक्शन और यू कैन से लैम्डा फंक्शन। ओके, सो एनोनिमस फंक्शन क्यों बोलते हैं? एनोनिमस फंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें बेसिकली डेफिनेशन डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमें हर बार फंक्शन को डिफाइन करना पड़ता है, बट हमें इस जगह पे डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है अपने फंक्शन को। ओके, सो हम डेफ कीवर्ड का यूज़ नहीं करते, हम बेसिकली एनोनिमस फंक्शन को हर बार लैम्डा के थ्रू डिफाइन करते हैं। सो लैम्डा इज़ अ कीवर्ड। ओके, सो लैम्डा इज़ अ कीवर्ड, दिस लैम्डा इज अ कीवर्ड। सो लैम्डा के थ्रू हम हर बार अपने फंक्शन को डिफाइन करेंगे, हम अपने फंक्शन को कॉल करेंगे। सो बेसिकली ये आपका एनोनिमस फंक्शन होता है। ओके, सो देखो ये किस तरीके से होता है, और इसके अंदर बेसिकली एनोनिमस फंक्शन के अंदर 4 चीज़ें होती हैं, दैट इज 3 चीज़ें होती हैं, दैट इज मैप, रेड्यूस, मैप, फिल्टर एंड रेड्यूस। ओके, तो एंड दे आर हैविंग अ यूज एप्लीकेशन, देखते हैं। और ये बेसिकली आप इनके अंदर देखोगे कि प्रोग्राम आपके जो प्रोग्राम आप नॉर्मल फंक्शन से बनाते हो, आप इसका यूज़ करके बिल्कुल आप जितनी लाइन्स की आपकी कोडिंग होती है, यहाँ पे कुछ लाइन कम हो जाती है हर बार, एवरी टाइम। ओके, सो लेट मी सपोज अगर मुझे किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, सो मैं क्या करूँगा, ये मैं फंक्शन इस तरीके से बनाऊँगा, डेफ स्क्वायर, और यहाँ पर मैं नंबर दूँगा अपना, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं रिटर्न करूँगा, रिटर्न, और आपको पता है रिटर्न और प्रिंट का डिफरेंस अब आपको पता है, रिटर्न एंड क्रॉस टू। सो ये चीज़ मैं करूँगा, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, स्क्वायर को कॉल कर लूँगा, और यहाँ पे जिस भी नंबर का मुझे बेसिकली चाहिए, जिस भी नंबर का मुझे स्क्वायर करना है, वो नंबर यहाँ पे मैं डाल दूंगा। सो दिस इज फाइन। यहाँ पे आपके 5 का स्क्वायर हो गया, दैट इज 25। ओके, सो दिस इज फाइन। अब इसी चीज़ को, इसी सेम जो मैंने स्क्वायर नाम के फंक्शन बनाया, अब आपको पता है स्क्वायर बेसिकली ये जो आपके फंक्शंस होते हैं इनको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। ओके, सो बेसिकली आप इस फंक्शन को, अब स्क्वायर नाम को आप कहीं पे भी यूज़ करोगे, वो बेसिकली क्या करेगा, नंबर्स का स्क्वायर करके देगा। अगर मैं यही सेम फंक्शन विद द हेल्प ऑफ लैम्डा बनाता हूँ तो वहाँ पे देखो क्या होगा, आप इस चीज़ को भी आप बेसिकली एक वैल्यू में डाल के और बेसिकली उस वैल्यू को प्रिंट करा सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं एक लैम्डा के थ्रू बनाता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, आपको लैम्डा का जो सिंटैक्स होता है वो क्या होता है कि आपको बेसिकली क्या देना है, आपको लैम्डा कीवर्ड देना है, देन आपको आर्गूमेंट पास कराना है। आर्गूमेंट का मतलब कि जितने आर्गूमेंट्स हैं। ओके, सो यहाँ पे आपको किसी के साथ एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन इस तरह की चीज़ें नहीं करनी है। तो यहाँ पे आपका आर्गूमेंट क्या है, आपकी सिंपल एक आर्गूमेंट है। ठीक है, मतलब आपको कोई भी एक नंबर देना है और उसका आपको स्क्वायर करना है। सो दिस इज योर आर्गूमेंट। ठीक है, ये आपके आर्गूमेंट है, 5 n ये आपके आर्गूमेंट है। कि तो आप बेसिकली लैम्डा यूज़ करोगे, लैम्डा कीवर्ड यूज़ करोगे और आप यहाँ पे, ठीक है, आप बेसिकली कोलन लगाते हो तो कोलन के लेफ्ट हैंड साइड आप आर्गूमेंट देते हो। ओके, सो आर्गूमेंट देते हो कि आपके पास कितनी आर्गूमेंट्स है। तो बेसिकली हमारे पास एक ही आर्गूमेंट है और राइट हैंड साइड पे आप ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, जो भी ऑपरेशन आपको करना है। तो सपोज मुझे स्क्वायर करना है, सो दिस इज सिंपली अ लैम्डा। यहाँ पे आप इस जो भी आपकी वैल्यू होगी एक्स के अंदर, उसका आप बेसिकली स्क्वायर कर रहे हो। ओके, अब अगर आप इसको चलाते हो तो देखो सेम आंसर। ठीक है, तो आप इस तरीके से लैम्डा के अंदर, आप इस तरीके से बिना डेफ कीवर्ड यूज़ किए, आप इस तरीके से लैम्डा के अंदर आप अपनी प्रोग्राम लैम्डा कीवर्ड यूज़ करके आप इस तरह, ये बेसिकली ये होता है आपका लैम्डा फंक्शन, ये होता है आपका एनोनिमस फंक्शन। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे आपकी जो लाइन्स होती हैं वो कम हो जाती हैं और अब देखो यहाँ पे बेसिकली एक लाइन कम हो रही है, क्योंकि अगर आप ऊपर से कंपेयर करोगे तो आपका 3 लाइन का प्रोग्राम था, तो यहाँ पे आपकी 1 लाइन कम हो रही है। जैसे जैसे आप और भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन बनाते जाओगे तो वहाँ पे आपकी और भी लाइन्स कम होती जाएंगी, क्योंकि इसको लैम्डा के अंदर और भी चीज़ें होती हैं, दैट इज मैप, फिल्टर एंड रिड्यूस। ओके, तो ये आपकी पहली चीज थी, दैट इज फाइन। अब अगर आपको सपोज, अगर आपको मैं बोलूं कि आपका बेसिकली एक लिस्ट है, ओके, और लिस्ट के अंदर, अगर आपके पास एक लिस्ट है और लिस्ट के अंदर आपको हर एक नंबर का स्क्वायर करना है। ओके, मतलब आपको लिस्ट के अंदर जाके कोई ऑपरेशन करना है, लिस्ट के अंदर आपको हर एक नंबर का स्क्वायर करना है, तो आप वहाँ पे क्या करोगे। ठीक है, सो अगर आपको पता है कि आप फंक्शन के अंदर पूरी लिस्ट पास कर सकते हो, ये चीज़ आपको पता है। ठीक है, अब मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप लिस्ट के अंदर पूरी वैल्यू पास कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लिस्ट के अंदर मैं पूरी वैल्यू पास कर सकता हूँ। तो मैं बेसिकली क्या करूँगा कि एक एसक्यू नाम का फंक्शन बना रहा हूँ और यहाँ पे मैं बेसिकली एल एक अपनी लिस्ट पास करूँगा। सो एल भी होगा, ठीक है, मैं नीचे भी एल दे सकता हूँ, दैट इज़ नॉट एन इशू। और मतलब एक जो भी मेरी लिस्ट होगी तो बेसिकली उसके अंदर हर एक नंबर का स्क्वायर हुआ रहेगा, तो वो जो स्क्वायर वाला मेरी लिस्ट रहेगी वो बेसिकली एक नए लिस्ट के अंदर आएगी। सो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक खाली लिस्ट बना दे रहा हूँ, दैट इज़ फाइन। और अब मैं क्या करूँगा, फॉर आई इन योर एल, आप क्या करो, हर एक नंबर का स्क्वायर कर लो। ओके, सो एन डॉट अपेंड। ओके, और यहाँ पे आप क्या अपेंड करोगे, हर एक नंबर का स्क्वायर अपेंड करोगे। सो दिस इज फाइन, देखो हर एक नंबर का मैं बेसिकली स्क्वायर अपेंड कर ले रहा हूँ। सो ओके, सो रिटर्न, और यहाँ पे क्या हो गया आपका एन। सो दिस इज फाइन। अब अगर मैं देखो यहाँ पे लिस्ट देखूँ, यहाँ पे अगर मैं लिस्ट पास कर दूँ, तो ये लिस्ट पास कर देता हूँ 3, 6, 8। ओके, 3, 6 अगर मैं ये लिस्ट पास कर दे रहा हूँ और मैं एस क्यू ऑफ एल, सॉरी यहाँ पे अगर क्यू ऑफ एल ले रहा हूँ, देखो यहाँ पे हर एक नंबर का स्क्वायर हो गया। ओके, तो ये चीज़ मैंने अचीव कर ली कि मैं हर एक नंबर का स्क्वायर कर सकता हूँ। और इवन कल भी आपने, परसों की क्लास में भी आपने ये प्रोग्राम देखा था। पर कुछ भी आप हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर, हाँ हाँ आ रही है सर। थोड़ी देर पहले नहीं आ रही। नहीं, वो चली कनेक्शन इशू। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो तो यहाँ पे बेसिकली अगर आप देखो यहाँ पे क्या होता है, आपको जब अगर ये चीज परफॉर्म करनी है कि हर एक नंबर का स्क्वायर करना है, तो मतलब आपके लिस्ट के अंदर जो भी वैल्यूज हैं हर एक वैल्यू के साथ मुझे कुछ ना कुछ ऑपरेशन करना है। मतलब स्क्वायर करना है, क्यूब करना है, या फिर कुछ ऐड ऑन करना है, कुछ भी इस तरीके का काम करना है। तो उसके लिए आप क्या करते हो, उसके लिए आपके पास एक चीज होती है दैट इज मैप। ओके, तो आप क्या कर सकते हो, आप मैप फंक्शन का यूज कर सकते हो वहाँ पे। सो देखो मैप फंक्शन क्या होता है। सो मैप फंक्शन भी सेम उसी तरीके से देते हो जैसे आप लैम्डा दे रहे थे, उसी तरीके से मैप देते हो। बट यहाँ पे आपको मैप के अंदर दो चीजें पास करानी होती है। सो बेसिकली मैप आपका एक फंक्शन हो गया और मैप के अंदर आपको दो चीजें पास करानी होती है। पहली चीज आपका जो भी फंक्शन है, तो बेसिकली आपने यहाँ पे देखो एक एक्सटर्नल फंक्शन ना रखा है, तो फिर आवाज गई। यस सर, ठीक है ठीक है। ये चीज यही पे थे ना, यहाँ पे कुछ टूटा तो नहीं था? हेलो यस सर, क्या सर? ठीक है, कुछ छूटा तो नहीं था ना, यही मैप पे ही थे ना हम लोग। हाँ, ठीक है। तो मैप का बेसिकली सिंटैक्स क्या होता है, मैप के अंदर आपको दो चीजें पास करनी होती हैं। दैट इज, पहली चीज आपको पास करनी होगी आपका जो भी फंक्शन है। तो बेसिकली मेरे पास फंक्शन क्या था, मेरे पास फंक्शन है स्क्वायर, ठीक है, जो कि हर एक नंबर का स्क्वायर करता है। ये आपका फंक्शन बना हुआ है पहले से। ओके, और आपका दूसरा चीज क्या पास करनी होती है आपको, सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब जो भी लिस्ट, टपल या जो भी डिक्शनरी है, ठीक है, इसके अंदर हर चीज पास हो जाएगी। सो जो भी लिस्ट, टपल, डिक्शनरी जो भी है, जो भी सीक्वेंस है आपके पास, जो भी सीक्वेंस अवेलेबल है वो सीक्वेंस आप यहाँ पे पास कर सकते हो। तो मेरे पास क्या थी, सीक्वेंस का नाम है लिस्ट। तो मैं क्या करूंगा, मैप के अंदर ये दोनों चीजें अपनी पास करूंगा। मैप के अंदर क्या पास करनी होगी आपको, पहले फंक्शन पास करना होगा और सेकेंड वन आपको सीक्वेंस पास करना होगा। कहाँ गए सर? कहाँ गए सर? चार में क्विट करवा हेलो यस सर आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। ओके फाइन फाइन देखो ठीक है अच्छा हुआ ठीक है हो गया ओके सो यार आवाज आने से ठीक है। तो देखो बेसिकली अगर मुझे किसी लिस्ट के अंदर एक एक नंबर का स्क्वायर कराना था तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ रहा था, उसके लिए बेसिकली मुझे एक खाली लिस्ट बनानी पड़ रही थी, देन फॉर लूप चलाना पड़ रहा था, तो ये सारे काम मुझे करने पड़ रहे थे ठीक है। सो दैट वाज फाइन। लेकिन अगर मेरे पास स्क्वायर नाम का एक फंक्शन बना हुआ है, सिंपल स्क्वायर नाम का फंक्शन बना हुआ है जिसके अंदर मैंने ये काम किया हुआ है कि मैंने केवल अपनी जो नंबर थी उसका स्क्वायर किया हुआ है। तो मैंने ऐसा एक फंक्शन बनाया हुआ है पहले से। तो मुझे मैप के अंदर क्या करना है, मुझे मैप के अंदर बेसिकली काम करना है, मुझे मैप के अंदर केवल एक अपना फंक्शन पास करना है और अपनी सीक्वेंस पास करनी है और बेसिकली ये चीज़ें को बन गई मैप एट ऑब्जेक्ट। तो ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया। अब आपकी जो बेसिकली जो वैल्यूज़ हैं जो अब जो भी स्क्वायर हुआ होगा तो वो चीज़ क्या है, आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो बेसिकली लिस्ट के अंदर है ठीक है। तो आपकी जो रिजल्ट भी है वो लिस्ट में आएगी ना। तो बेसिकली इसको क्या करो, इस सारी वैल्यूज को आप लिस्ट के अंदर डाल दो। ओके अरे यार अरे मैंने ये भी हटा दिया ठीक है। कहाँ गया मैं प्रोग्राम कहाँ गया? अरे ओके एक सेकंड। सो दिस इज फाइन एंड यहाँ पे मेरे पास एम था और यहाँ पे मैंने क्या किया होता है स्क्वायर किया था। सो रिटर्न और दैट इज एन क्रॉस क्रॉस टू। ओके सो दिस इज फाइन। देखो हर एक नंबर का क्या हो गया स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे एक चीज मैंने हटा दी, आपको ध्यान होगी यहाँ पे जब मुझे लिस्ट के अंदर ये काम करना था तो मैंने एक लिस्ट बनाई थी, वो बनाऊं या आपको ध्यान है? अरे यार ये फंक्शन बनाया हुआ था ना यहाँ पे। अच्छा ठीक है ये वाली चीज। तो हाँ एन इक्वल टू एक खाली लिस्ट ली हुई थी हाँ फॉर आई इन एल और इसके बाद फिर शायद से ये रिटर्न फिर होगा एन एन आई क्रॉस नहीं अपेंड सर एन डॉट अपेंड। हाँ सॉरी सो एन डॉट अपेंड हाँ ओके। तो ये काम किया हुआ था पूरा। तो मेरे पास जाके एक लिस्ट आई जिसके अंदर बेसिकली ये चीजें फिर हुई रखी थी। ओके और फिर इसके बाद मैंने शायद से यहाँ पे ओके हाँ ये रिटर्न करना तो रिटर्न एन और दिस इज फाइन। आप देखो आपके पास अब आपके पास वो नई वैल्यू आई थी एन वाली बेसिकली जिसके अंदर सो एन इज नॉट डिफाइंड एन यहाँ पे डिफाइंड है। ओके सो ये रिटर्न ओके अच्छा यहाँ पे मुझे ये करना पड़ेगा ना। ओके सो मुझे एसक्यू को कॉल यहाँ पे हाँ नंबर हाँ एल इक्वल टू एसक्यू जो भी है मेरा और तो ये देखो यहाँ पे फिर इस तरीके से आया था। ठीक है तो ये चीजें थी। अब मैप के अंदर क्या किया, मैप के अंदर आपने कोई ऊपर एक फंक्शन यहाँ पे छोटा सा एक फंक्शन बना रखा था और उसी फंक्शन को यहाँ पे पास करा दिया और अपनी लिस्ट को पास करा दिया और बेसिकली यहाँ पे देखो यही सेम चीज आ रही है। ओके तो ये आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कर सकते हो कि आपकी प्रोग्राम आपकी कोड की जो लाइंस थी वो कितनी कम हो गई यहाँ पे। ठीक है यस सर। सो ये चीज होता है मैप के अंदर कि अगर आपको लिस्ट के अंदर जाके एक एक वैल्यू के साथ कोई ऑपरेशन करनी है और आपकी लाइन और भी कम हो जाएगी, मतलब आपको इसकी भी जरूरत नहीं है। ठीक है आपको ये जो फंक्शन बाहर है, ठीक है आपको यहाँ पे एक फंक्शन देना है तो आपको बाहर वाले फंक्शन की भी जरूरत नहीं है। दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फंक्शन। ठीक है अगर आपको ये प्रोग्राम पूरा अगर कोई आपसे मांगेगा तो आप बेसिकली क्या करोगे, आप भी यहाँ से उठाओगे और यहाँ पे डालोगे। ओके अगर आप ठीक है कहीं और बनाए हुए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको बेसिकली आपको आप प्रोग्राम को इस तरीके से देखोगे। ठीक है कि आपने यहाँ पे 3 लाइन के अंदर ये प्रोग्राम करके रख रखा है। ओके तो यहाँ पे आप इस तरीके से करोगे, लेकिन अगर आपके पास मैप फंक्शन है तो आपको क्या करना है, आपके पास आपको केवल यहाँ पे अब आपने एक्सटर्नल तो बेसिकली ये आपका एक्सटर्नल फंक्शन था जो दे दिया। अब आपको पता है कि आपके पास एक इंटरनल फंक्शन भी है एंड दैट वाज योर लैम्डा फंक्शन। ठीक है तो आप यहाँ पे क्या करो, आप लैम्डा फंक्शन यूज कर लो। इसी लाइन में आपने पूरी कोडिंग कर ली जो आप बेसिकली यहाँ पे कर रहे हो इतने 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 आपके इतने लाइन में। ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 लाइन में कर रहे हो, आप एक ही लाइन में वो सारी चीजें डाल दो और वो आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मैप एंड लैम्डा। ओके तो यहाँ पे आप क्या करो, आप अपने लैम्डा फंक्शन यूज कर लो। आप एक्सटर्नल फंक्शन के पास ही मत जाओ, आप इंटरनल फंक्शन बेसिकली यहाँ पे आपका इंटरनल फंक्शन हो गया। ओके दैट इज ऑल्सो फाइन। आपने जो 7 लाइन के अंदर चीजें की रखी थी या 6 लाइन के अंदर जो चीजें की रखी थी वो आपने 1 लाइन के अंदर कर दी विद द हेल्प ऑफ जस्ट मैप एंड लैम्डा फंक्शन। ठीक है तो अब ये समझ में आ रहा है कितना अच्छा इसका यूसेज है। तो और दूसरी चीज आप यहाँ पे ये सब चीजें आपसे फिर ये चीजें क्यों पूछी जाती है, ये चीजें इसीलिए पूछी जाती हैं क्योंकि आप अगर फंक्शन बनाने चले जाओगे, सपोज कोई बड़ा फंक्शन है तो आप उसके अंदर लाइंस ऑफ कोड लाइंस आपकी बढ़ती चली जाएंगी, बट आपको इसीलिए वो आपकी ये चीज देखना चाहते हैं कि आपको ये चीजें आती हैं कि नहीं जिससे आप अपने कोड को स्मॉल कर सकते हो। तो हम अपने कोड को कैसे स्मॉल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैप एंड लैम्डा फंक्शन। ठीक है अगेन सेम चीज अगर आपको कोई ठीक है अब इसके अंदर लैम्डा वाला कुछ नहीं बताया, ये वाला ना ये इसकी बात कर रहा हूं ना। तो यहाँ पे देखो लैम्डा आपने देख रखा है ना, यहाँ पे लैम्डा इस तरीके से होता है। तो बेसिकली आप यहाँ क्या कर रहे थे, ठीक है यहाँ पे अगर मैं देखो यहाँ पे डाल दूं तो यहाँ पे आप क्या कर रहे थे, सो स्क्वायर कर रहे थे। ठीक है ये आपका स्क्वायर फंक्शन था। तो मैंने आपको मैप का सिंटेक्स बताया था कि मैप के अंदर आपको 2 चीजें पास करानी है, पहला फंक्शन पास कराना है, दूसरा सीक्वेंस पास कराना है। तो ये आपका फंक्शन है स्क्वायर और ये आपका सीक्वेंस है एल लिस्ट। ठीक है तो ये आप पास कराते और जो आपका स्क्वायर है सो दैट इज बेसिकली योर एक्सटर्नल फंक्शन। ठीक है आपने पहले से कोई फंक्शन बाहर बना रखा है। ठीक है वॉट इफ आई वॉन्ट टू मेक एन इंटरनल फंक्शन। मैं देखो अब सिंपली क्या हो रहा है, अगर आपको ये कोड अगर मैं आपसे पूछूं तो बेसिकली आपकी ये 3 लाइन का कोड है। ठीक है सो इफ आई वांट कि मैं एक इंटरनल फंक्शन अगर मैं बना सकूं तो मेरे पास कोई ऐसी चीज है जिससे मैं इंटरनल फंक्शन बना सकता हूं और मेरे पास कोई ऐसी चीज है जिससे मैं इस पूरे जो कॉन्सेप्ट है मेरा कि स्क्वायर करना है हर एक नंबर का लिस्ट के अंदर उसको एक ही लाइन में इम्प्लीमेंट कर दूं। यस मेरे पास है, मेरे पास एक इंटरनल फंक्शन होता है। सो दैट इंटरनल फंक्शन इज योर लैम्डा फंक्शन। सो लैम्डा फंक्शन आपको पता है, यहाँ पे क्या करो आप लैम्डा फंक्शन बना दो और लैम्डा फंक्शन का देखो यही होता है ना कॉन्सेप्ट, आपको आर्गुमेंट देना है और आर्गुमेंट के आगे आपको ऑपरेशन करना है। देखो सेम आंसर आएगा। ठीक है तो अगर आपके पास ये फंक्शन मौजूद ना भी हो तो आपने ये पूरा फंक्शन जो आपकी बेसिकली 1 2 3 4 5 और 6 लाइन के अंदर की वो आपने यहाँ पे केवल 1 लाइन के अंदर कर दी। ठीक है मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है या ये चीजें इंटरव्यूज में पूछी जाती हैं, क्योंकि वो आपको बोलेंगे भाई मेरे को लिस्ट के अंदर स्क्वायर करके दो, और आप क्या करोगे, आप इस तरीके से स्क्वायर करोगे, ठीक है। एंड अगर वो ठीक है वो थोड़े से जेन्युइन हुए तो आपसे ये भी बोलेंगे कि यार क्या आपको मैप और लैम्डा का नहीं पता है, ठीक है। अगर आप बोलते हो पता है तो आपको चलो एक चांस मिल जाएगा, बट जनरली आपको इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि अगर आपको बोलते हैं स्क्वायर करने को तो आप सिंपल मैप और लैम्डा के पास चले आओ, आप पुराने फंक्शन की थ्योरी को देखो ही मत, आप सीधे मैप और लैम्डा के पास चले आओ, ठीक है। सर अगर वो अपना नंबर खुद देंगे तो अपना नंबर खुद देंगे मतलब जैसे आपने यहाँ लिस्ट बना दिया, उन्होंने कहा मेरे को इस नंबर का चाहिए, पर्टिकुलर इसी प्रॉब्लम के लिए बात कर रहा हूँ ना। नहीं सर जैसे आपने ये लिस्ट क्रिएट कर लिया यहाँ पे 3 6 8 7 9, अगर उन्होंने अपना नंबर खुद का दिया तो वही बोल रहा हूँ कि ये हाँ मैं आपको पर्टिकुलर इस लिस्ट वाली प्रॉब्लम के लिए बात कर रहा हूँ। अगर आपको लिस्ट क्रिएट करना होता है, आपको इनपुट लेना होता है, तो आपके पास वो चीजें पता है ना, आपको आपके पास इनपुट नाम का फंक्शन है। हाँ तो उसी तरह करना ना सर, इसमें भी उसी तरह करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ एल लिखा है सर वहाँ पे इनपुट हो जाएगा, सिंपल। ओके सर ठीक, तो ये आपका मैप फंक्शन है। अब मैप फंक्शन के अंदर एक और चीज होती है कि अगर आपके पास सपोज 3 लिस्ट हैं, ठीक है, आपके पास अलग अलग 2 या 3 लिस्ट हैं और आपको इंडेक्स वाइज उनका एडिशन कराना है, ठीक है, तो वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो ये आपके पास कोई लिस्ट होती है, a = सम लिस्ट होती है आपके पास 8 9 10 एंड 12 एंड 14। अगर आपके पास एक लिस्ट ये होती है, b के अंदर आपके पास कुछ वैल्यूज होती हैं 4 5 6 7 2, ओके, ये आपके पास ओके 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, एंड आपके पास इसके अंदर भी कुछ इस तरह की वैल्यूज होती हैं 12 34 56, ओके 10 एंड 5, अगर इस तरीके की वैल्यूज होती हैं आपके पास, ओके, तो ये हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या करना है, सो ABC अगर मैं आपको बोलूँ कि इसको ऐड कराना है, ठीक है, तो और ऐड करा के मुझे एक फाइनल मेरी लिस्ट चाहिए, मतलब मेरे पास डी लिस्ट होनी चाहिए, जिसमें डी लिस्ट के अंदर क्या होगा, डी लिस्ट के अंदर ओके डी लिस्ट के अंदर मेरे पास क्या होगा, डी लिस्ट के अंदर मेरे पास होगा 12 + 8 20 और 20 + 4 24, सो मतलब मेरे डी लिस्ट के अंदर क्या होगा 24। देन इसी तरह आप एडिशन कर लो, ठीक है, 9 5 14, सो इट्स 48, ओके, आगे आप एडिशन कर लो, तो डी लिस्ट मेरा इस तरीके से कुछ होगा, ओके। तो मैं ठीक है, अगर मैं सिंपल फंक्शन के थ्रू जाऊं तो मैं क्या करूंगा, डेफ, और डेफ के अंदर मैं एक फंक्शन बना लूंगा सम, और सम के अंदर मैं 3 आर्गुमेंट है मेरे पास, तो तीनों आर्गुमेंट को पास कर दूंगा, और यहाँ पे क्या करूंगा मैं रिटर्न करा लूंगा, रिटर्न ऑफ a + b + array and c, ओके, सो दिस इज फाइन। अब मैं अगर यहाँ पे सम के अंदर ओके और मैं यहाँ पे अगर सम के अंदर ये डालता हूँ, ओके, सो इसको मैं कर सकता हूँ, ठीक है, और देखो इस तरीके का एक मैं फंक्शन बना सकता हूँ, ठीक है। अब अगर मुझे इस तरीके से वैल्यूज चाहिए, ठीक है, डी के अंदर, तो बेसिकली अब अगर मैं सम के अंदर ही बनाने जाऊँगा तो आपको पता है एक एम्प्टी लिस्ट बनानी पड़ेगी और वहाँ पे अपेंड ओपेंड कराना पड़ेगा, ठीक है, जैसे आप ऊपर करा रहे थे, ठीक है। बट मेरे को पता है मेरे पास एक मैप नाम की चीज़ आ गई है, तो मैं वाई शुड आई यूज दिस, सो मैप, और मैप के अंदर आपको पता है 2 चीज़ें पास करानी होती हैं, दैट इज योर सम, और सेकेंड चीज़ क्या पास करानी होती है, आपकी आर्गुमेंट। तो आपके पास सीक्वेंस, तो सीक्वेंस आपके पास कौन कौन सी है, a b c, सो बेसिकली आप जितनी सीक्वेंस है, आपके कितने भी सीक्वेंस हो सकते हैं, आपके पास कितनी भी लिस्ट होती है, आप उनको पास करा सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि आपके पास ये कॉन्सेप्ट ना रहे कि मैं एक ही लिस्ट के ऊपर कुछ कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपके पास अगर मल्टीपल लिस्ट है तो आप पास कराओ, ठीक है, वो काम करेगा। और आपको यहाँ पे देखो डी चाहिए था, तो डी क्या हो गया मेरे पास 8 4 12 9 5 34, ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ हो गई। अब ये आपके पास क्या है, ये बेसिकली आपका एक्सटर्नल फंक्शन है। अगर मैं यही चीज़ एक लाइन के अंदर करना चाह रहा हूँ, मेरे पास ये फंक्शन नहीं है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इंटरनल फंक्शन यूज़ करूँगा। सो इंटरनल फंक्शन मेरे पास क्या है, लैम्डा। अब लैम्डा का क्या कॉन्सेप्ट होता है, लैम्डा देन आर्गूमेंट। सो आपके पास आर्गूमेंट कौन कौन से हैं, आपके पास 3 आर्गूमेंट हैं, सो मेरे पास x y और z, ये 3 आर्गूमेंट्स हैं, और इसके ऊपर मुझे क्या करना है, इसके ऊपर मुझे क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, समेशन करना है, ओके, सो दैट इज फाइन, समेशन कर लो, ठीक है। और ये तो आपका फंक्शन हो गया लैम्डा वाला, और ये चीज़ क्या हो गई, आपकी सीक्वेंस हो गई जो आपकी ओरिजिनल सीक्वेंस थी। ठीक है, अब आप पास आप इसको रन कराओगे तो यही सेम 24, 48, 72, 29 और 19 आएगा। ठीक है, ओके, समझ में आया फंक्शन का? ओके, सो दैट वाज फाइन। अब अगर मैं बात करूं कि किसी भी एक लिस्ट के अंदर ए बी सी या एल, जो भी मेरी लिस्ट है, इसके अंदर अगर मुझे इवन केवल इवन नंबर चाहिए, ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। ओके, अगर आपसे मैं बोलूं कि मुझे केवल इवन नंबर चाहिए तो ये काम आप कर सकते हो। ठीक है, इवन नंबर या ऑड नंबर, आप क्या करते हैं, एक फंक्शन चलाओगे, ठीक है, पूरे लिस्ट के ऊपर, और आप क्या करोगे, आप एक एम्प्टी लिस्ट बनाओगे फिर से, फिर इफ कंडीशन लगाओगे, आई मॉडल्स टू इक्वल्स टू 0, अगर कंडीशन ट्रू है तो उसमें अपेंड करा दो और उस लिस्ट को रिटर्न करा दो। ठीक, ओके, दैट इज फाइन। अगर मैं आपसे ये प्रोग्राम बोलूं कि अगर आपके पास ये एक लिस्ट है, ए नाम की लिस्ट है, और इस लिस्ट में से मुझे केवल इवन नंबर चाहिए, तो यही आप काम करोगे, एक एम्प्टी लिस्ट बनाओगे और उसके अंदर अपेंड करा दोगे। ठीक है, बट उसके लिए क्या होता है कि जब आपको इस तरीके का एक मतलब आपको कुछ वैल्यूज बाहर निकालनी है, ठीक है, मतलब कुछ वैल्यूज का मतलब आपको कुछ वैल्यूज फिल्टर करनी है। ठीक है, मतलब आपको इवन नंबर फिल्टर करना है या ऑड नंबर फिल्टर करना है, इस तरीके का, जब इस तरीके का कुछ कॉन्सेप्ट आता है तो वहाँ पे आपके पास क्या होता है, वहाँ पे आपके पास होता है फिल्टर। ठीक है, तो एक आपका मैप होता है, सेकेंड आपका होता है फिल्टर। ओके, सो यहाँ पे मैं फिल्टर फंक्शन का यूज कर सकता हूँ। ओके, सो मैं बी के अंदर करूंगा, क्योंकि बी के अंदर बेसिकली दो आपकी ऑड नंबर्स भी हैं, अदरवाइज सबके अंदर एक एक ऑड नंबर्स ही हैं। ठीक है, तो आप किसी के ऊपर भी कर सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं अगर केवल इवन नंबर निकालना चाह रहा हूँ बी के अंदर से, बी अपनी जो मेरी लिस्ट है बी वाली, वहाँ से मैं मैं केवल इवन नंबर निकालना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो अगेन क्या करो, आप फिल्टर का यूज करो। ठीक है, अब यार आप फंक्शन बना सकते हो, ठीक है, इस तरीके से फिर से आप फंक्शन बना सकते हो। ठीक है, बट यहाँ पे मैं अगेन इंटरनल फंक्शन का यूज करूंगा। एक लाइन में यार अपना काम खत्म हो। ठीक है, सो लैम्डा का कॉन्सेप्ट अब आपको पता है, जो भी आर्गूमेंट है, तो बेसिकली एक आर्गूमेंट है आपके पास और उसी के अंदर आपको देखना है कि बेसिकली वो नंबर जो है, पर्टिकुलर एक नंबर जो है, वो इवन है या ऑड है। तो उसके लिए मेरे पास कंडीशन है एक्स मॉडल्स टू इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आपका हो गया लैम्डा। मतलब आपको फिल्टर का भी कॉन्सेप्ट यही होता है, सेम होता है, फिल्टर भी मैप वाला ही सिंटैक्स फॉलो करता है। यहाँ पे आपको पहले फंक्शन देना है और फंक्शन के बाद आपको सीक्वेंस देनी है, तो सीक्वेंस ये आपको अप्लाई करना है बी वाले में, मैंने बोला। ठीक है, तो अप्लाई कर दो, देखो ये फिल्टर का ऑब्जेक्ट बन गया। अब आपको पता है ये सारी वैल्यू आपको किसके अंदर चाहिए, लिस्ट के अंदर चाहिए। ओके, सो फाइन, मैं लिस्ट के अंदर ये सारी वैल्यूज, ठीक है। जावेद, अनुपम, समझ में आया? बहुत छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है सर। ठीक है, सो ये आपका हो गया फिल्टर। अब सपोज अगर आपको टास्क दिया जाए कि बेसिकली ये जो चीजें हो रही हैं, ठीक है, मतलब आपके पास जो लिस्ट है ए बी सी, कोई भी जो लिस्ट है, इन सारी वैल्यूज के ऊपर एडिशन करके, इन सारी वैल्यूज को एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन हो, मतलब इस तरीके से ऑपरेशन हो, देखो ध्यान दो, इस तरीके से ऑपरेशन हो, मतलब 8 + 9, ओके, सो प्लस 8 + 9 17 + 10 आपका क्या होता है 27 + 12 39 एंड 39 प्लस 14 53। ओके, तो मतलब यहाँ पे तो मैं लिस्ट निकाल रहा हूँ, यहाँ पे भी मैं लिस्ट निकाल रहा हूँ। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, केवल एक वैल्यू चाह रहा हूँ विद इन अ सीक्वेंस, मतलब किसी भी सीक्वेंस में से मैं केवल एक वैल्यू चाह रहा हूँ। ओके, एक वैल्यू का मतलब क्या है कि 1 by, मतलब आपके जस्ट जो आपके साथ साथ जो भी नंबर है, ठीक है, मतलब पेयर वाइज में वो बेसिकली एडिशन होगा या पेयर वाइज सब्ट्रैक्शन होगा। अगर आप यहाँ पे सब्ट्रैक्शन भी करना चाहो तो दैट इज पॉसिबल। ठीक है, बहुत वियर्ड सा आंसर आएगा कुछ माइनस में, 8 - 9 -1 देन -1 -10 देन -10 माइनस समथिंग, ठीक है, तो जो भी है, तो इस तरीके से आप सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो। ठीक है, तो मुझे एक वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हम फंक्शन यूज करते हैं, दैट इज योर रेड्यूस फंक्शन। ओके, और रेड्यूस फंक्शन जो होता है, सो रेड्यूस फंक्शन डायरेक्टली नहीं अवेलेबल होता, एनाकोंडा के अंदर रेड्यूस फंक्शन डायरेक्टली नहीं अवेलेबल होता। सो बेसिकली हमें रेड्यूस फंक्शन इंपोर्ट करना पड़ता है। ओके, सो बेसिकली ये एक लाइब्रेरी है, तो हमें कभी भी जब किसी लाइब्रेरी के साथ काम करना होता है तो उसे हमें इम्पोर्ट करना होता है। ओके, सो बेसिकली रेड्यूस डायरेक्टली नहीं अवेलेबल है, तो उसे हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, और इंपोर्ट करना पड़ेगा पर्टिकुलर एक लाइब्रेरी होती है दैट इज योर फंक टूल नाम की लाइब्रेरी होती है। सो फंक टूल्स, सो फंक टूल्स नाम की लाइब्रेरी होती है, इसमें से मुझे इंपोर्ट करना है रेड्यूस को। ओके, सो इंपोर्ट रेड्यूस। सो ये सिंपल एक लाइब्रेरी होती है और मैं रेड्यूस को इंपोर्ट कर रहा हूँ। अब आपका सब कुछ सेम है, अब आप सिंपली जैसे आप ऊपर प्रोग्राम लिखते हो वैसे यहाँ पे भी लिखोगे। अब आपको लिस्ट नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे क्या करना है, रिड्यूस करना है, मुझे एक सिंगल वैल्यू चाहिए, ठीक है, मुझे लिस्ट नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ वाला जो लिस्ट लगा रहा था वो नहीं लगाऊंगा, और यहाँ पे भी मैं सेम वही काम करूँगा, ठीक है। फिर से मैं लैम्डा को यूज़ करूँगा। सो अभी मैंने लैम्डा को ऊपर ही यूज़ करके ये यार एडिशन कराया था, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे कैसे एडिशन हो रहा था, यहाँ पे इंडेक्स वाइज एडिशन हो रहा था, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पे क्या एडिशन कराना है, यहाँ पे मुझे तीन अलग अलग एडिशन, मतलब तीन अलग अलग लिस्ट में से एडिशन नहीं कराना है, मुझे सिंपल एक ही लिस्ट में हर वैल्यू को उसके बगल वाली वैल्यू से ऐड कराना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रिड्यूस यूज करूँगा, ओके, देन लैम्डा फंक्शन यूज करूँगा, और मैं क्या बोलूँगा, ए कॉमा बी, ओके। सो आप यहाँ पे कुछ भी लिख लो। सो मेरे पास ए ही है, तो मैं एक्स कॉमा वाई लिख लेता हूँ, अदरवाइज कंफ्यूजन होगा। और ऑपरेशन क्या करना है, एडिशन करना है, एक्स प्लस वाई, ओके। और किसके ऊपर करना है, आपको लिस्ट के ऊपर करना है। तो आपकी लिस्ट क्या है, आपकी लिस्ट है ए, ओके। सो आप किसी भी लिस्ट के ऊपर कर सकते हो। सो आपकी लिस्ट है ए, ओके। और अगर आप इसको करोगे, सो देखो ये 53 मैंने ऐड किया था, सो 53 आ गया आपका आंसर। तो अगेन इसी स्क्रीन में आपको जो चार चीजें दिख रही हैं, या तीन चीजें, ठीक है, चार चीजें दिख रही हैं, मैप, फिल्टर, रेड्यूस, बेसिकली ये तीनों कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। बहुत छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई भी हार्ड एंड फास्ट और कोई भी बहुत बड़ा रूल नहीं है, ठीक है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है बड़े इंपॉर्टेंट। ओके सर, ये कह रहा था सर आपने जो इवन नंबर प्रिंट कराया, तो सर इवन के साथ साथ और भी प्रिंट करा सकते हैं, दोनों एक ही साथ? नहीं, फिल्टर का नहीं, यहाँ फिल्टर यूज करके ना, नहीं लैम्डा यूज करके, तो यहाँ पे आप क्या कंडीशन दोगे, वही पूछ रहा हूँ सर। एक साथ दोनों कर सकते हैं? नहीं, एक साथ नहीं कर सकते ना, यहाँ पे एक साथ के लिए फिर आपको दूसरी चीज हो जाएगी, ठीक है। आप फंक्शन के अंदर यहाँ पे एक ही कंडीशन लेके चल सकते हो, मतलब यहाँ पे आपके पास दो वैल्यूज हैं, ठीक है, आप दो वैल्यूज लेके चल सकते हो, और बट यहाँ पे फिर आपको आई थिंक हो सकता है, ठीक है, आई थिंक अगर करना चाहे तो यहाँ पे हो सकता है, बट वो बहुत जाएगा, ठीक है, अगर आप वो करना चाह रहे हो, ठीक है। लेकिन फिल्टर के अंदर आपके पास वही चीज़ आएगी, एक ही वैल्यू आएगी। तो अगर मैं फिल्टर हटा के यूज़ करूँ तो एक बार मैं ट्राई कर सकता हूँ, बट ये ऐसे नहीं पॉसिबल है, ठीक है। सो अगर मैं फिल्टर हटा के यूज़ करूँ, और मेरे पास बी नाम की एक लिस्ट है, ओके, नहीं ये मैं इसको यहाँ पे ऐसे ही रहने देता हूँ, मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ। सो ओके, सो लैम्डा एंड लैम्डा के अंदर आपके पास अगर आप दो लिस्ट मांग रहे हो, यस, आप दो लिस्ट मांग रहे हो, सो नहीं ये नहीं हो पाएगा। देखो यहाँ पे आप, अच्छा आप यहाँ पे जो आंसर चाह रहे हो, आप आंसर ये चाह रहे हो 462 एक लिस्ट आ जाए, और एक लिस्ट आ जाए आपकी 57 की ना। हाँ सर, नहीं ये वाली चीज नहीं हो पाएगी आई थिंक, क्योंकि यहाँ पे आपने लिस्ट एक ही दे रखी। सो इफ एक्स एंड वाई अगर मैं इस तरीके से करता हूँ, अच्छा ये मैं क्या कर रहा हूँ इसके अंदर, ओके सो लैम्डा, ओके सो दैट इज फाइन। और अगर मैं लैम्डा यूज करता हूँ, ओके, एंड यहाँ पे एक्स कॉमा वाई देता हूँ, केवल लैम्डा यूज करके अगर मैं करना चाहूँ, सो ओके, सो एक्स मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0, दैट इज फाइन, ओके। एंड ऑपरेशन यूज नहीं कर सकते क्या? एल्स एक्स प्लस वाई, नहीं यहाँ पे एल्स ऑपरेशन यूज नहीं होगा, इस तरीके से करने की कोशिश करता हूँ। नहीं यहाँ पे दूसरी चीज आती नहीं है, और आपको अगर दोनों एक साथ चाहिए तो आपको एल्स यूज करना पड़ेगा, ठीक है। सो वो इसके सिंटेक्स में नहीं फिट होता है, ओके। ठीक है जावेद? ओके सर, ओके ठीक है। सो देखो ये बहुत छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे और आई थिंक अगर अभी आप जाके चेक करोगे तो आपका मैंने फंक्शन का आपको सुबह ही क्वेश्चन दे दिया था असाइनमेंट का, और वो सारे के सारे कोडिंग असाइनमेंट है, मतलब सारे के सारे कोडिंग के क्वेश्चन और प्लस आपके पास मल्टीपल एमसीक्यूज हैं असेसमेंट की है। ओके सो एमसीक्यू मैं मोस्ट प्रोबेबली नहीं चेक करूंगा बट असाइनमेंट मैं चेक करूंगा और ये कोडिंग असाइनमेंट्स हैं तो मोस्ट प्रोबेबली मैं ही चेक करूंगा। सो प्लीज़ अच्छे से करना और ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे और अगली बार जब आपकी कल हो सकता है असाइनमेंट अपलोड करूँ इसके ऊपर तो यहाँ पे भी आपको देखो इसी तरीके से ट्रिकी क्वेश्चंस मिलेंगे। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चंस होते हैं, ये जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है लैम्डा का, फिल्टर का, मैप का और रिड्यूस का, ये बहुत छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं बट बेसिकली ये बहुत इफेक्टिव कॉन्सेप्ट हैं। ओके सो इनके ऊपर जितने प्रैक्टिस आप कर सकते हो मेरे क्वेश्चंस के बाहर से भी उनको आप प्रैक्टिस करो। ओके आज सर आपने असाइनमेंट दिया है कोई? हाँ आज मैंने फंक्शन के ऊपर अपलोड किया है कोडिंग असाइनमेंट, सारी 3 क्वेश्चंस हैं और आपको केवल आपको कोडिंग करनी है, आपको कोड अपलोड करना है, आपको कंप्यूटर नोटबुक पे जाके उनकी कोडिंग करनी है। ओके सर तो सर ठीक है। और सर मेरा वो वाला जो मैंने आपसे बोला था रिपोजिटरी वाला उसका क्या करना है? अरे यार आपको मैंने उससे बोला था कि आप मुझे एक बार पिंग कर दो रिपोजिटरी के लिए, तो आपने मुझे बताया नहीं। रिपोजिटरी आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है? आई थिंक अनुपम आपका भी हो गया, चल रहा है? नहीं सर अगर वो वीडियो मेरे को नहीं मिला, वीडियो है आपकी वेबसाइट पे, वीडियो है साइट पे। कौन सी वीडियो सर जो आपने बताया था रिपोजिटरी वाला? यार वो वीडियो है, अवेलेबल है YouTube पे। ओके अगर नहीं होगा तो मैं आज देख लेता हूँ, वो वीडियो YouTube पे अवेलेबल है तो सर लिंक मेरे को मिल जाता है। ठीक है वो टेलीग्राम पे ही लिंक है लिंक टेलीग्राम पे ही पोस्ट हुई थी आई थिंक। रुको एक सेकेंड, लिंक उसकी है GitHub वाली की बात करो ना। किस दिन हुई थी GitHub वाली क्लास? सर शायद मंडे को हुई थी। ओके लिंक है, लिंक अवेलेबल है। सो देखो मैं अभी ग्रुप पे आपके साथ शेयर कर दे रहा हूँ, तो लिंक मैंने ये शेयर कर दिया है, तो आप देख के कर लोगे तो और अच्छी बात है, नहीं भी कर पाते हो तो मैंने आपको बोला हुआ था। ठीक है आप कल वापस से ठीक है 3 से 6 के बीच में अगर मेरी क्लास नहीं होती है तो आप 3 से 6 के बीच में आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है सर डिस्क्रिप्शन में क्या लिखते हैं वैसे? कौन से डिस्क्रिप्शन में? यार मैंने बोला ना कि अभी आप डिस्क्रिप्शन नहीं लिखोगे, अभी डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना है। डिस्क्रिप्शन में आप बेसिकली एक ब्रीफ आइडिया देते हो, तो अभी आप ऑप्शनल छोड़ सकते हो, अभी आप कुछ नहीं कर रहे हो। ठीक है जब आपका प्रोजेक्ट होता है, जैसे आपका प्रोजेक्ट आएगा इंटरेक्टिव डिक्शनरी, तो वहां पे आपको डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है कि आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में 2-1 लाइन के अंदर बता दो। ठीक है जैसे आप देखते हो ना हर जगह हेडलाइन होती है, ठीक है टाइटल आप देखते हो, किसी भी वेबसाइट पे आप जाओगे तो वहाँ पे टाइटल होता है, देन उसकी हेडलाइन होती है टाइटल की, ओके हेडिंग होती है, देन मैं जैसे वहां लिख दूंगा डाटा टाइप का असाइनमेंट, डाटा टाइप लिख के कर सकता हूं या फिर ब्लैंक भी छोड़ सकता हूं। हां वो आप छोड़ सकते हो, वो देखो अभी असाइनमेंट में लिखने का कोई मतलब नहीं होता है, वो तो सिंपली आप ठीक है केवल फिल करना चाह रहे हो, इसलिए मैंने आपको अभी बोला भी था कि अभी कोई जरूरत नहीं है। जब आप प्रोजेक्ट बनाओ ना तब आप वहां पे लिखो, एक लाइन में अपने प्रोजेक्ट का ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दो। ओके ओके सर ठीक है। सो दिस इज फाइन। देखो 2 टॉपिक बचे रह गए बट अब वो ज्यादा हो जाएगा, सो इसको प्रैक्टिस करो और नेक्स्ट में हम पहले लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन और डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन पढ़ेंगे और देन बेसिकली हम आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है ओके गाइस सो फाइन। ओके सो थैंक यू सो मच अनुपम। आपको कोई प्रॉब्लम आज की क्लास में? नो सर। ओके ठीक है सो फील फ्री टू आस्क एनीथिंग इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और okay so just ping on telegram or just ping on the group okay agar koi bhi issue hota hai to okay sir fine thank you so much guys good night sir।